हेलो बच्चों गुड इवनिंग नमस्कार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ग्रेविटी एकेडमी ऑफ केमिकल साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय बाइजेवी सर जल्दी से जल्दी यार एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा सही है शुरुआत करने जा रहे हैं आज का जो सेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाला है जो भी बच्चे पी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यार मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ जो आज के जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं ना आरपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सही है चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट रहा हो चाहे न्यूक्लिक एसिड चाहे आपका अमीनो एसिड चाहे एंजाइम चाहे प्रोटीन सही है आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उम्मीद करूंगा आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे और लगभग आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 80 प्लस क्वेश्चन आज के सेशन में हम देखने वाले हैं तो एक बार जितने भी किसी भी पी लेवल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आज के सेशन में हम कवर करेंगे टॉपिक से रिलेटेड सही है थोड़ा सा आप भी थ्योरी पढ़ के आए होंगे एक बार यार शेयर कर दीजिएगा एक बार कनेक्ट हो जाओ फटाफट फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की जल्दी से जल्दी एक बार कनेक्ट हो जाइएगा आइएगा शुरुआत करें लीजिएगा बहुत बढ़िया जो भी बच्चे कनेक्ट हो गए बहुत बढ़िया आ जाओ देखो वन बाई वन एक एक क्वेश्चन को देखना है RPSC स्कूल लेक्चरर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एंजाइम्स क्या होते हैं बता दीजिएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर चार ऑप्शन आपके सामने यार सही है लगभग आज के सेशन में हम 80 प्लस क्वेश्चंस पीवाईक्यू देखेंगे और मुझे लगता है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आज के सेशन के कांसेप्ट से ही रिलेटेड पेपर में पूछा जाएगा बता दीजिएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर जो भी बच्चे आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं यार उनके लिए सेशन यूजफुल है ही डेफिनेटली यस पहला सवाल बिल्कुल यार आसान सा पूछा था आपसे कह रहा है एंजाइम क्या होते हैं तो यार हमारे पास देखो यहाँ पे अगर बात की जाए ना ऑप्शन देखो कैसे कैसे दे रखे मिनरल होते हैं ओयल होता है फैटी एसिड होता है प्रोटीन होता है यार हम जब एंजाइम पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे मेटल एंजाइम हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं तो बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं यस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और वहाँ पे हमें हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि बहुत सारे एंजाइम्स में क्या होता है हमारे पास मेटल आइटम भी प्रेजेंट होता है उसके साथ प्रोटीन चेन प्रेजेंट होती है द ए विल बी द करेक्ट आंसर ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल था सही है देखते जाओ आप बस बहुत सारे क्वेश्चन आज के सेशन में हम कवर करेंगे प्लीज जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करना यार ना आ जाओ डेली जब से आपका आरपीएससी का हमने सेशन शुरू किया है कंटिन्यू आपके लिए सेशन में लेके आ रहा हूं अगला सवाल देखो यार सुगर इज प्रेजेंट इन द फ्रूट फ्रूट में यार कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है चार ऑप्शन आपके सामने फटाफट जवाब दे दीजिएगा फ्रूट्स के अंदर कौन सी सुगर प्रेजेंट होती है बताओ भाई साहब बताइएगा फ्रूट्स के अंदर कौन सी सुगर प्रेजेंट होती है चार ऑप्शन आपके सामने है पहला कह रहा है स्ट्राच दूसरा कह रहा है फ्रुक्टोज तीसरा कह रहा है सेलुलोज डी कह रहा है ग्लूकोज यस 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 सुन लो ध्यान से देखो यार अगर फ्रुक्टोज की बात की जाए तो देखो इसको तो आप यार नाम से भी याद रखते हो इसमें हमारे पास कौन सी सुगर प्रेजेंट होती है यस फ्रूट सुगर हमारे पास होती है सही है ना फ्रूट्स में हमारे पास कौन सी सुगर प्रेजेंट होती है फ्रुक्टोज एक और सवाल बहुत बार पूछा जाता है बताओ जल्दी से लैक्टोज जो yes, है वो हमारे पास किस में प्रेजेंट होता है लैक्टोज लैक्टोज भी शुगर ही है है ये हमारे पास किस में प्रेजेंट होता यस बताइएगा एक सवाल के साथ बहुत सारी बातें रिवाइज करेंगे यार जो लैक्टोज होता है ना ये हमारे पास किस में प्रेजेंट होता है मिल्क में किस में प्रेजेंट होता है मिल्क में आपसे कहते हैं मिल्क शुगर बोलते हैं इसको सही है ना लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं मिल्क शुगर सही है एक और आ जाए आपके पास माल्ट माल्टोज आ जाए माल्टोज तो माल्टोज की अगर बात की जाए तो इसके नाम से ही क्लियर है इसमें हमारे पास माल्ट सुगर प्रेजेंट होता है सही है ना ये हमारे पास प्रेजेंट होता है चलिएगा एक सवाल और आपसे पूछा जाएगा बताइएगा ग्लूकोज में कौन सी ग्लूकोज हमारे पास ग्लूकोज अगर पूछ ले सही है ग्लूकोज को हम बोलते हैं क्रैप सुगर क्या बोलते हैं क्रैप सुगर तो ये प्लीज याद रख लीजिएगा सही है ना फ्रूट्स फु, फु, में कौन सी आपसे साफ साफ कह रहे हैं सुगर इज प्रेजेंट इन द फ्रूट्स फ्रूट्स में कौन सा प्रेजेंट होता है फ्रुक्टोज होता है सही है मिल्क में पूछ ले पेपर में ऐसे ही मिल्क में कौन प्रेजेंट होता है लैक्टोज होता है सही है कर लोगे चलिएगा चलिएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब यस यस सुक्रोज जो होता है वो टेबल सुगर होता है बिल्कुल सही है यार एक और ध्यान रखिएगा ना जो सुक्रोज होता है वो टेबल सुगर तो होता है उसके अलावा इन्वर्ट सुगर भी होता है क्या होता है जो हमारे पास अगर हम बात करें किसकी आ, सुक्रोज की तो वो हमारे पास इनवर्ट सुगर भी होता है और टेबल सुगर भी होता है सही है चले आगे चलिएगा बहुत बढ़िया दूसरा क्वेश्चन हो गया सबका यस फ्रुक्टोज विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड विटामिन दैट कंट्रोल ब्लड कोगुलेशन इज ब्लड कोगुलेशन को कौन सा विटामिन कंट्रोल करता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता दीजिएगा यार देखो देखो, देखो वाइटामिन से भी कई बार पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो प्लीज थोड़ा सा विटामिन के बारे में भी नॉलेज लेके जाइएगा आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में ये सवाल आया था बता दीजिएगा वट विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइएगा भाई साहब विटामिन दैट कंट्रोल ब्लड कोगुलेशन यस यस मैक्सिम बच्चों ने सही जवाब दिया है यस यस बिल्कुल सही है यस देखो विटामिन डी जो होता है ना हमारे पास सॉरी विटामिन के ये हमारे पास क्या करता है कंट्रोल करता है ब्लड कोगुलेशन सही है ना बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है सबने सही बताया चलिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ इनमें से देखो यार आपका amino acid, uh, sorry, nai, uh, क्या बोलते हैं nucleic acid के हमने में पढ़ाया हुआ है है पे वो lecture है. अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो उसमें पूरा आपके न्यूक्लिक एसिड uh, के बारे में पढ़ाया हुआ है बता दीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए पायरमेडीन बेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विल बी द करेक्ट आंसर अपना जवाब दे दीजिएगा भाई साहब और यार इस टॉपिक से ना आपसे पेपर में डेफिनेटली अभी आने वाले टाइम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे कितने क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे पूछे गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं चलिएगा बहुत बढ़िया मैक्सिम बच्चों ने सही जवाब दिया है सर ग्वेनिन होता है आ जाओ थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं देखो यार पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है आप अगर अच्छे से पढ़ के आए होंगे तो देखो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड में अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं बेस की बात करते हैं तो यार बेस का क्लासिफिकेशन हमने दो टाइप के पढ़े थे भाई साहब याद है आपको सर एक हमारे पास होता है प्यूरिन बेस सही है ना और एक हमारे पास होता है पायरे पायरेडीन नहीं होता होता है सही है ना अगर हम बात करें पायरेमेडीन बेस की तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ये हमारे पास मोनोसाइक्लिक बेस होते हैं सही है ना और कुछ इस तरीके का यहाँ पे सिस्टम होगा यहाँ पे नाइट्रोजन होगा यहाँ पे नाइट्रोजन होगा इसमें नंबरिंग हम क्या कहा से शुरू करते हैं यहां से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके होते हैं सही है पायरेबिटिन हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं आपने पढ़े भी होंगे मैं एक बार बता देता हूं एक हमारे पास होता है साइटोसिन एक हमारे पास क्या होता है साइटोसिन और एक हमारे पास होता है यूरेसिल और एक हमारे पास होता है थाइमिन इनके अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए ना तो सबसे पहले अगर हम साइटोसिन के स्ट्रक्चर की बात करें ना तो साइटोसिन में क्या होगा यार देखो पहली बात तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ प्रेजेंट होगी सही है ना ये डबल बोन्ड रहेगा यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन और खास बात यहाँ पे इस वाले बेस की अगर बात की जाए अगर आप पढ़ के आए हो तो यहाँ पे डबल बोंडेड रहेगा यहाँ पे हमारे पास एन एच टू रहेगा यहाँ पे डबल बोंड ओर रहेगा ये हमारा होता है साइटोसिन जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं यूरेसिल की अगर बात की जाए यूरेसिल को और देख लेते हैं एक बार यूरेसिल यस 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 हाँ स्ट्रक्चर याद होने जरूरी है स्ट्रक्चर से भी सवाल आया हुआ है स्ट्रक्चर याद होने जरूरी है बच्चों स्ट्रक्चर से भी सवाल आया हुआ है यूरेसिल में क्या होगा यार यहाँ डबल बोन रहेगा ये दो नाइट्रोजन तो प्रेजेंट रहेंगे ही नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ और ये कीटोफोम ये हमारा होता है यूरेसिल यू लास्ट बच गया है थाइमिन थाइमिन यूरेसिल का ही भाई होता है बस इसमें आपको एक बात याद रखनी है यहाँ पे हमारे पास एम ग्रुप और आ जाता है बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा डबल बोन्ड ओ यहाँ पे एन एच रहेगा यहाँ पे एन एच रहेगा यहाँ पे एक हमारे पास एम ई ग्रुप आ जाता है इस पोजिशन के ऊपर सी एस थ्री लगा होता है सही है नंबरिंग का भी ध्यान रखना है यहाँ से आपसे पेपर में स्ट्रक्चर में पूछा गया है कर लोगे बोलो बच्चों इतनी बात इतनी बातों में तो किसी को यार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल आसान है सही है अब आ जाओ जो पायरीन प्यूरिन होते हैं यार इसमें हमारे पास डबल साइकिलिंग रिंग होती है एक छह मेंबर की रिंग होती है और एक पांच मेंबर की रिंग होती है सही है यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन एटम की बात करें तो एक एनएच यहाँ प्रेजेंट होगा यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड होगा यहाँ पे नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगा और एक नाइट्रोजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके के हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे अगर नंबरिंग की बात की जाए ना नंबरिंग भी देखो दोस्तों अगर मैं बात करूं हाँ यार इसमें थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा हाँ, ये एक नाइट्रोजन यहाँ होता है इसको एक बार मैं करेक्ट कर लेता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हालांकि आपको आर एन वाले सेशन में पूरा पढ़ाया हुआ भी है सही है ना एक नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे होता है इनकी नंबरिंग भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार पेपर में नंबरिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्यूरिन में जब नंबरिंग करते ना यहाँ से करते हैं एक दो तीन चार पाँच छ पाँच छ नंबर इसको देंगे नंबर सात यहाँ पे आएगा आठ नौ इस तरीके से नंबरिंग करते हैं आपके पास दो प्रकार के होते हैं एक एडनीन होता है और दूसरा हमारे पास क्वेनिन होता है एडनीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सेम ऐसे ही आप बना दीजिएगा एडनीन में कुछ खास नहीं होता एडनीन के केस में हमारे पास यहाँ पर इस पोजिशन के ऊपर बाकी सब सेम रहेगा यहाँ पे इसके साथ एन ग्रुप जुड़ जाता है कौन सा ग्रुप जुड़ जाता है एन एच टू ग्रुप जुड़ जाता है ये हमारे पास होता है एडनी एडनी, सही है एक और होता है ग्वेनिन गिन में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा चेंजमेंट ग्वेनिन की अगर बात की जाएगी ग्वेनिन अगर आपसे ये यार ये यस नाइट्रोजन की पोजीशन, यस यस पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भाई थोड़ा सा ध्यान रखना ये नाइट्रोजन इसके अकॉर्डिंग बनाना इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर कॉमन रहेगा कहा गया वो? लास्ट बच गया था ग्यौनीन। ग्यौनीन का स्ट्रक्चर और बना देते हैं सही है ना याद मेन आपके पास एक तो हमारे पास मेंबर की रिंग रहेगी एक हमारे पास पांच मेंबर की रिंग रहेगी यहाँ पे हमारे पास डबल बोंड ये नाइट्रोजन रहेगा जब हम ग्वेनिन की बात करेंगे तो ग्वेनिन में क्या होगा यहाँ पे हमारे पास डबल बोंड आ जाएगा एक नाइट्रोजन यहाँ पे था ये हमारे पास एन बनाएगा दूसरा इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास एन एच टू आ जाएगा इस पे एन एच रहेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है इन कर लोगे? बोलो भाई यार, रुको एक रुको मिनट बच्चों, तो प्लीज यार उस लेक्चर में आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज ये समझाई हुई है सही है ना यस कुछ इस तरीके का यहां पे स्ट्रक्चर बनेगा ये आपके पास एनएच रहेगा सही है ये डबल बोन्ड रहेगा यहाँ पे डबल बोन्ड रहेगा ये होता है ग्वैनिन कर लोगे ग्वैनिन भी याद रखना यार ग्वेनिन से पेपर में सवाल पूछा जा सकता है ग्वैनिन में पेपर में पेपर से सवाल पूछा जा सकता है और दोनों आपको याद रखने हैं ना ग्वेनिन भी और आपका एडनिन भी ये होता है भाई ये बनेगा सही है नंबरिंग याद रखनी है सही है एक ट्रिक भी हमारे पास थी सही है बच्चों ने कमेंट भी कर दिया है एक सवाल हमसे यार आरएनए डीएनए से और पूछा जाता है अगर हम बात करेंगे डीएनए की किसकी बात करेंगे डीएनए की और एक हमारे पास होता है आर सही है तो डीएनए की बात की जाएगी इसमें कौन कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं तो आप याद रखिएगा बस सी ए टी कैट जी और यहाँ पे आप याद रखिएगा काउजी सही है ना सी ए यू सी ए यू जी सही है और इस बात से ना नेट में भी एक बार चार नंबर का सवाल आ चुका है फोर मार्क्स का अब देखना आप आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे डीएनए में कौन-कौन प्रेजेंट होता है साइटोसिन होता है एडनीन होता है थायो था, होता है और हमारे पास गुआनिन होता है इन केस ऑफ आरएनए हमारे पास ए, क्या बोलते हैं साइटोसिन आएगा एडनीन आएगा यूरैसिल आएगा और गुआनिन आएगा प्लीज ये जरूर याद रख लीजिएगा ना ट्री याद रख लीजिएगा डीएनए में कैटजी याद रखोगे आरएनए में काऊजी काऊ कैट माने बिल्ली काऊ में गाय लोगे याद रखिएगा यार डीएनए कैटजी आर एन ए काउजी बस पेपर में ऑप्शन देगा ही अब आपसे पायरेमिडीन बेस पूछ रहा था तो पायरेडीन में हमारे पास कौन कौन से आते हैं तीन आते हैं था आता है हमारे पास यूरेसिल आता है और साइटोसिन आता है दूसरा हमारे पास अगर बात करेगा प्यूरिन बेस की प्यूरिन बेस में हमारे पास दो ही आते हैं कैटन और एक क्यू चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड फॉर्म जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बनाता है फटाफट बता दीजिएगा विल बी करेक्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेडेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल सही बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको याद रखनी है ए टी और हमारे पास दो बेसिस के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और दो बेसिस के बीच में तीन हाइड्रोजन बोन बनते हैं वो भी याद रखिएगा सही होता है क्या होता है अगर हम की बात करें, तो ग्लूकोज में सी होता है यहाँ पे हमारे पास सी एच टू में में लिख देता हूँ चार होते हैं और यहाँ पे क्या होता है सी एच टू ओ एच सही है ये हमारे पास होता है सही है छह कार्बन होते हैं जब हम यहाँ पे एच एन ओ थ्री डालते हैं तो प्यारे बच्चों हमारे पास देखो जनरली क्या होता है आपको बता देता हूं जो नाइट्रिक एसिड होता है ना ये स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये हमारे पास एल्डिहाइड को कीटोन को और प्राइमरी एल्कोल को ध्यान दीजिएगा प्राइमरी एल्कोल को किसमें चेंज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है और इसको हम नाम देते हैं क्या सैक्रिक एसिड क्या नाम देते हैं सैक्रिक एसिड कर लोगे बोलो भाई समझा नहीं समझे क्लियर है यस यस बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है टी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर पांच का सही आंसर क्या हो जाएगा टी सही है आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इट इज नॉट करेक्ट फॉर एंजाइम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में तीसरा सवाल आ गया है भाई सही है आ इसका एक नाम और भी था यार इसका एक नाम और तो था जो अभी आपने सवाल किया है इसका हम क्या बोलते हैं गुलकैरिक एसिड भी बोलते हैं ना इसको सैक्रिक एसिड का एक नाम और होता है गुलकैरिक एसिड सही है ना गुलकोनिक नहीं गुलकैरिक वो भी याद रखिएगा पेपर में क्या पता आपको वो दे दे चलिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ट्रू है सही है दीज आर रिक्वायर्ड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन बिल्कुल सही है कैटलिस्ट होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं ट्रू है ये भी तीसरी स्टेटमेंट दे इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नहीं यार जो मेटलो एंजाइम होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं कम सही है चलिए गए तो बिल्कुल आसान ही हो जाएगा सही है नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम आर ग्लोबलर प्रोटीन यस ये बात भी हमारे पास क्या है ट्रू है कर लो समझे या नहीं समझे इतनी बात बता दीजिएगा भाई साहब आपको समझ आई या नहीं आई नित्याजी आप चेक कर लीजिएगा अलग नहीं होता गुलकैरिक एसिड सैगरिक एसिड को ही बोलते हैं चेक कर लीजिएगा अरे भाई चेक कर लीजिएगा आपने चैट बॉक्स में जो कमेंट किया है वो गुलकोनिक एसिड कमेंट किया है भाई मैं गुलकैरिक एसिड की बात कर रहा हूँ सैगरिक एसिड को हम गुलकैरिक एसिड भी बोलते हैं सही है ना जो बी आर पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हो अभी आ जाएगी क्वेश्चन नंबर सात इंसुलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोटीन इंसुलिन इनमें से किस टाइप का प्रोटीन होता है बता दीजिएगा विल बी द करेक्ट आंसर फाइब्रस होता 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 है होता है होता है चेन होता है तो यार सुन लो ध्यान से देखो अगर हम बात करते हैं किसकी ग्लोबलर प्रोटीन की तो देखो हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जैसे हमारे पास हेमोग्लोबिन होता है जैसे हमारे पास मायोग्लोबिन होता है से फेरेटीन होता है जैसे फेरेटीन होता है सही है और अगर मैं बात करूं और भी एग्जाम्पल की बात करूं ये आपके पास इंसुलिन आ गया सही है इंसुलिन आ गया एक हमारे पास एल्बुन एल्बुनिन एल्बुनिन और होता है ऐसा ये नाम होता है एल्बुनिन वो भी आएगा ये सब ग्लोबलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है सही है ना ग्लोबलर प्रोटीन की खास बात ये होती है ये सोल्यूबल होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं क्या होते हैं प्रोटीन क्या होता है वाटर सोल्यूबल होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है जनरली वो हमारे पास क्या होता है कुछ इस तरीके से स्पेरिकल हमारे पास इस तरीके से गुच्छेदार स्ट्रक्चर बना लेते हैं सही है ना इस तरीके से तो इंसुलिन हमारे पास इसी क्लास का आ, प्रोटीन है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल अमीनो एसिड आर यार एसेंशियल अमीनो एसिड ना आप जिन बच्चों ने अगर अमीनो एसिड नहीं भी पढ़ा है ना तो मैं आपको कहूंगा यार यूट्यूब पे एक सेशन और अवेलेबल है उसको जाके देख लीजिएगा आपका काम बन जाएगा पूरा कंप्लीट अमीनो एसिड का एक सेशन है और उसमें देखो अमीनो एसिड से क्वेश्चंस आते ही हैं सही है ना यस आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल अमीनो एसिड आर बता दो यार और फिर से मैं आपसे यही कहूंगा यार अगर किसी भी बच्चे ने नहीं पढ़ा है ना ध्यान रखिएगा यार पढ़ लो उसको अमीनो एसिड एसेंशियल नॉन एसेंशियल एक जर्नल सा क्वेश्चन आता है टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं आउट ऑफ दीज दस ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते जिन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है यस बिल्कुल सही है यस वैलिन 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 अब मैं आपसे कहूं यार वैलीन में होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्लाइसिन ग्लाइसिन में आर ग्रुप एच होता है सही है ग्लाइसिन के बाद हमने एलेनिन पढ़ा था जिसमें सी एस थ्री होता है फिर हमने पढ़ा था वैली वैलिन वैलिन में क्या होता है सर आर ग्रुप और ये कार्बन इसके साथ दो सी एस थ्री यही था वैली तो वैली हमारे पास क्या होता है याद रखिएगा एसेंशियल अमीनो एसिड होता है सही है बिल्कुल सही है सी रश्मि अरोडा ने कमेंट किया या स्टीवी मिल्क पाथ? बिल्कुल सही है उससे भी आप याद रख सकते हो ट्रिक से भी याद रख सकते हो क्वेश्चन नंबर नाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द एंजाइम डाइस्टेज एक्ट एज ए कैटलिस्ट देखो डाइस्टेज क्या करता है डाइस्टेज की बात हो रही है भाई साहब डाइस्टेज क्या काम करता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर नाइन पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ के आए हो तो जवाब दे दीजिएगा भाई साहब बताओ भाई साहब चलिएगा जवाब आ गया है सर डी होगा डी होगा डी होगा डी देखो यार सुन लो ध्यान से देखो हमारे पास जो एंजाइम है ना डाइस्टेज डाइस्टेज का काम क्या होता है ये हमारे पास जो स्टार्च स्टार्च होता है पहली बात तो ये पता होना चाहिए स्टार्च इज पोलीसेक्राइड होता है होता है सही है ये इसको तोड़ देता है और स्टार्च को किस में तोड़ता है भाई साहब ये स्टार्च को चेंज कर देता है माल्ट माल्टोज में किस में चेंज करता है माल्टोज में चेंज करता है सही है ना अब मैं आपसे कहूं बताओ स्टार्च किन से मिलके बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए एक तो अमाइलेज होता है और एक हमारे पास अमाइलेपेक्टम होता है सही है दो से मिलके बनता है स्टार्च जिसमें अमाइलेज का कंट्रीब्यूशन 20 परसेंट होता है और जो अमाइलोपैक्टम होता है उसका हमारे पास 80 परसेंट होता है तो जब हम स्टार्च का क्या करवाता है ये हमारे पास तोड़ देगा उसको माल्टेज और ये हमारे पास स्टार्च था सही है ये हमारे पास बन गया माल्टोज माल्टोज क्या होता है यार माल्टोज की अगर बात की जाए माल्टोज इज डाइसैक्राइड माल्टोज क्या होता है सही है आपसे ये भी पूछा जा सकता है बताओ स्टार्च जब बनता है स्टार्च जो बनता है इसमें हमारे पास लिंकेज कौन सी होती है स्टार्च में लिंकेज कौन सी होती है बताओ जल्दी से बताओ भाई साहब लिंकेज कौन सी होती है लिंकेज का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है देखो पोलीसेक्राइड में मैं कह रहा हूं दो इंपोर्टेंट है एक स्टार्च और एक सेलुलोज दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोनों की जिनसे बनते हैं इनकी जो यूनिट होती है उनको जरूर पढ़ लीजिएगा और ये जब आपस में मोनोमर यूनिट जुड़ती हैं उनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है वो भी याद रख लीजिएगा सही है यस माल्टोज डाइसेक्राइड होता है स्टार्च हमारे पास होता है यस बिल्कुल आ, आ, सागर कह रहे सर वन फोर होता है यार वन फोर तो चारों ऑप्शन में दे देगा आपको वन फोर का नाम भी तो होगा ना यस बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है देखो यार मैं बता देता हूं इसमें हमारे पास क्या होता है अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है भाई याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यही पे अगर सुक्रोज आ जाता यही पे अगर सुक्रोज आ जाता सॉरी सुक्रोज नहीं मैं सुक्रोज का नाम ले लेते सेलुलोज आ जाता पोली में सेलुलोज आ जाता तो सेलुलोज में भी हमारे पास वन फोर होती है सेलुलोज में हमारे पास क्या होती है वन फोर लेकिन वो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है सेलुलोज में दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्लीज याद रखिएगा सही है चलिएगा आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला सवाल देखो ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर ये सागर जो तू सवाल कह रहा था ना वो है आ गया देखो ये ब्रोमीन वाटर ना ये हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इसमें केवल हमारे पास जो एल सी एच ओ ग्रुप है ना एल्डिहाइड उसका ऑक्सीडेशन होता है सही है ना ये हमारे पास सी एच ओ होता है और यहाँ पे मैं सीधा ही लिख देता हूँ सी एच ओ फोर स्ट्रक्चर आपको पता ही है ये सी एच टू ओ एच जब हमारे पास इसमें हम वाटर डालेंगे ना बी आर टू और वाटर हम डालेंगे अब हमारे पास ये COOH एच बनता है इसको हम बोलते हैं गुलकोनिक एसिड इसको हम बोलते हैं गुलकोनिक एसिड सही है ना तो सागर डिफरेंस होता है यार ये होता है गुलकोनिक एसिड ये होता है गुलकोनिक एसिड सही है ना जो सैक्रिक एसिड था ना उसी का मैंने दूसरा नाम बनाया बताया था क्या गुलरिक एसिड उसमें ये दोनों सी एच बन जाएंगे सही है ना गुल कैरिक एसिड में क्या होगा हमारे पास सी ओ एच सी एच ओ एच फोर और यहाँ पे सी एच इसका नाम था सैक्रिक एसिड या फिर गुल कैरिक एसिड गुल कैरिक एसिड तो देर इज डिफरेंस बिटवीन गुलकोनिक एसिड एंड गुल कैरिक एसिड ये कह रहा था सही है यस बिल्कुल सही है सी विल बी द करेक्ट आंसर कर लोगे चलिएगा बहुत बढ़िया को जरूर शेयर करते रहो ना सही है आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं आइएगा क्वेश्चन नंबर ग्यारह डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी बॉडी में मस्कुलर वीकनेस और फर्गैलिटी ऑफ आरबीसी ये किस वजह से होती है भाई बता दीजिएगा वट विल बी द करेक्ट आंसर वट विल बी द करेक्ट आंसर बता दीजिएगा बताओ अगर आप पढ़ के आए हो तो यार देखो वाइटामिन से क्वेश्चन पूछ रहा है थोड़ा सा वाइटामिन जो डाटा है उसमें एक बार बायो में उसको थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा वो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और वो भी ना करो तो ये जो पीवाई क्यू कर रहे हैं ना आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना इनको जरूर करते जाना क्योंकि पेपर में आपके में यार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं कोई इस पेपर का आ गया कोई उस पेपर का आ गया यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं सही है यस यस जवाब आ गया है सर बी होगा बी यस यस वाइटामिन ई ये सवाल इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा ऑफ़ क्या बोलते हैं है। सही है कर लोगे चलिएगा एक सवाल और बता दो मेरे से जल्दी से फटाफट ये सवाल भी आया हुआ है विटामिन बी ट्वेल्व में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है विटामिन बी ट्वेल्व में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है यही पे मैं आपको बात बता देता हूँ थोड़ी बाइन ऑर्गेनिक की तो सबने पढ़ा भी आ जाए तो इसमें सर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विटामिन बी ट्वेल्व में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है तो इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है आपसे यह कहते का दूसरा नाम बताओ तो भाई साहब इसको हम साइनो कोबाल अमीन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं साइनो कोबाल अमीन सही है एक हमारे पास इसी का भाई और होता है विटामिन बी ट्वेल्व की जगह एक और हमारे पास होता है इसके बारे में और ध्यान दीजिएगा के बारे में चर्चा कर दे तो भाई साहब इसमें भी हमारे पास, कोबाल्ट ही होता है।, इसमें भी पास रिंग होती है बस फर्क ये होता है केस ऑफ वाइटामिन बी ट्वेल्व साइनो कोवाल इसको बोल रहे यहाँ पे हमारे पास साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है जबकि को एंजाइम बी ट्वेल्व में हमारे पास एडीनोसाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है दोनों में डिफरेंस यही होता है सही है? बाकी इनके स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो कोबाल्ट प्लस तीन में होता है लो कॉम्प्लेक्स होते हैं। लो कॉम्प्लेक्स होते हैं। चार पोजिशन नाइट्रोजन एटम करता है और एक पोजिशन पे यहाँ पे विटामिन बी ट्वेल्व में साइनाइड ग्रुप होता है केस ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप होता है एक बात और इसमें याद रख लीजिएगा जो को एन बी ट्वेल्व होता है ये हमारे पास नेचुरल होता है कैसा होता है तो जो जो बातें आपको यहाँ पे साथ साथ में बताते हुए चल रहा हूँ प्लीज इन बातों पे फोकस करते रहिएगा सही है चले आगे नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर बारह आ जाओ विच ऑफ नॉट एन अमीनो एसिड पिछली बार पूछा आपसे एसेंशियल अमीनो एसिड अब की बार आपसे पूछ रहा है नोट एसेंशियल बता दीजिएगा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा वैलेनीन क्या था सर वैलेनीन हमारे पास एसेंशियल था ल्यूसीन ल्यूसीन क्या होता है ल्यूसीन बताया था आपको ल्यूसीन देखो हमारे पास अगर हम बात करें ना वो चेन जिन में हमारे पास जनरली अमीनो एसिड में हाइड्रोकार्बन आता है तो वो ल्यूसीन और वैलीन होते हैं एक एलेनिन एलेनिन जो है ये हमारे पास यस बिल्कुल सही है सही जवाब दे दिया यस यस सी विल बी द करेक्ट आंसर लाइसिन ये भी एसेंशियल एसेंशियल अमीनो एसिड होता है कर लोगे नोट पूछा था तो हमारे पास क्या होता है एलेन एलेनिन का अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए तो सब पढ़ाया हुआ है बता दो बस आर ग्रुप बता दो एलेनिन में क्या होता है जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करके बता दो एलेनिन में आर ग्रुप क्या होता है फिर आगे मूव करते हैं बताओ बताओ जल्दी से बताओ यार एलेनिन में हमारे पास आर ग्रुप कौन सा होता है कोई भी अमीनो एसिड होती है अल्फा अमीनो एसिड हम पढ़ते हैं सर एक तरफ हमारे पास सी एच होगा एक एन एच टू एक हमारे पास एच होगा और ये आर होगा एलेनिन में आर क्या होता है यस बिल्कुल सही है जवाब आ गया है सी एस थ्री सर सी एस थ्री सी एस थ्री ल्यूसिन बताया था ला चार यहाँ पे चार कार्बन एटम आ जाएंगे कर लोगे चलिएगा आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन सुगर मोनिटी प्रेजेंट इन डीएनए मोलिक्यूल वेरी वेरी इंपोर्टेंट बता दो भाई साहब शुगर हमारे पास डीएनए में शुगर का कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है भाई ये तो बताना पड़ेगा सुगर का कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है जल्दी से बता दीजिएगा भाई साहब फटाफट बता दीजिएगा फटाफट बता दीजिएगा बता फट बता बताओ, बताओ 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 बता दीजिएगा भाई साहब बहुत बढ़िया मैक्सिम बच्चों ने सही जवाब दे दिया यस यस देखो यार शुगर की बात की जाए तो सर हमारे पास आता है डी राइबोज क्या आता है डी राइबोज और डी राइबोज की अगर बात की जाए तो हमारे पास यहाँ क्या था सर यहाँ पे सी एच ओ होता है यहाँ पे सी एच टू ओ एच होता है सी एच टू ओ एच होता है तीन सी एच टू टोटल हमारे पास जो कार्बन एटम होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है पांच एक हमारे पास ये सी एच टू ओ एच होगा आपको समझाया भी हुआ है पूरे मैकेनिज्म से ये जो सी एच टू है ये हमारे पास इस सी एच ओ के साथ जाके जुड़ेगा ये वाला ऑक्सीजन और सर ये हमारे पास एक पांच मेंबर की रिंग बना लेते हैं यही है और इसमें खास बात क्या होती है सर इस पोजीशन पे जो एल्फा पोजीशन होती है यहाँ पे ओ एच ऊपर होगा यहाँ पे ओ एच एच ये ओ एच एच यहाँ पे सी एच टू ओ एच यही होता है सॉरी सी एच टू ओ एच ऊपर होगा एच नीचे होगा ये हमारे पास सुगर प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ आर एन एंड डी एन ए खास बात यहाँ पे क्या होती है देखो ये जो है ना ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास बीटा होता है अगर ये ओ एच ग्रुप नीचे आ जाता है तो फिर हमारे पास क्या होता है एल्फा समझा नहीं समझे अब देखो ये देखो बी ये ये किसमें प्रेजेंट होता है बीटा डी राइबोज किस में प्रेजेंट होता है अगर मैं बात करूं बीटा डी राइबोज सर ये हमारा प्रेजेंट होता है आर एन ए में किसमें प्रेजेंट होता है आर एन ए में लेकिन जब डी एन ए में जाते हैं ना तो भाई साहब दूसरी पोजीशन पे हमारे पास क्या हो जाता है डी ऑक्सी हो जाता है ओ एच ग्रुप की जगह हाइड्रोजन लग जाता है समझा नहीं समझे बोलो यस डी ये सही होगा अगर आर एन ए पूछता तो फिर हम क्या जवाब देते फिर हमारे पास जाता सर बीटा डी राइबोज समझा नहीं समझे क्लियर है समझ आया है, नहीं आया जल्दी से बता दो भाई साहब बता दीजिएगा इतनी बात बता दीजिएगा आपको क्लियर हुई या नहीं हुई फिर आगे मूव करते हैं चलिएगा सर जी क्लियर है यस पढ़ाया हुआ भी है यूट्यूब पे पूरा सेशन प्रेजेंट है यस यस रिमूव रिमूव कर देंगे बिल्कुल सही है पायल बिल्कुल सही है ओ एच की जगह एच आ जाएगा विच स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आ जाओ भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज जाओ प्रोटीन के स्ट्रक्चर से जो काम की बातें हैं ना वो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है टर्सरी स्ट्रक्चर होता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है कह रहा है इनमें से बताओ स्पेसिफिक सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हमारे पास कौन से प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मिलती है यस 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 बिल्कुल सही है देखो यार जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना हमें पता है सर प्रोटीन किससे बनता है सर अमीनो एसिड्स के एसिड केुड़ने वहां पे हमारे पास लिंकेज बनते जाते हैं सही है तो जो हमारे पास जो हमारे पास प्रोटीन इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड वो किस में मिलता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी में क्या होगा सेकेंडरी में एक काम और हो जाएगा सेकेंडरी में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी क्या जाएगी? आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी सही है और टर्शियरी की अगर बात करें तो जो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है यानी कि प्राइमरी में

आपसे कहते किस में आएगा? ये टर्सरी में आएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से स्ट्रक्चर तो में आती है सेकेंडरी में आपसे कहते हैं सल्फाइड लिंकेज वंडरवाल इंट्रैक्शन इंट्राइनिक किस में आती है टर्सरी में और टर्सरी फोल्ड होके फिर किस में चला जाता है क्वाटनरी समझा नहीं समझे कर सम� लोगे अब तो अगर सवाल आया प्रोटीन से रिलेटेड बस हो जाएगा काम इतनी सी बात हमें याद रखनी यार ए विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन टाइम लो भाई साहब ये सवाल फिर से आ गया भाई साहब इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम किस वाइटामिन की वजह से होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जल्दी से बता दीजिएगा भाई साहब हमारे पास ब्लड क्लोटिंग का जो टाइम है वो बढ़ जाता है कौन से की कमी से? कौन से 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 एंजाइम एंजाइम की की कमी कमी ऐसा होता है यस यस देखो थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने यार एक तो हमने पढ़ा आरबीसी रिलेटेड विटामिन ई आया सही है बिल्कुल सही है वाइटामिन के की वजह से ऐसा होता है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है सही है चलिएगा एक सवाल और मैं आपसे पूछ लेता हूँ कॉमन सा सवाल आप से... आपसे कहते विटामिन की डेफिशिएंसी से विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है अगर आ जाए, तो वाइटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी से हो जाता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सही है या फिर एनीमिया हो जाता है खून की कमी हो जाती है विटामिन बी ट्वेल्व की कमी की वजह से सही है चलिएगा आ जाओ आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्लकोज ऑन प्रोलोंग हीटिंग विद एचआई फॉर्म यानी ग्लूकोज की अगर हम हीटिंग कर दे एच के साथ तो क्या बनता है बता दो भाई साहब इससे भी पेपर में सवाल आ चुका है अगर एच के साथ हम ग्लूकोज की अगर हीटिंग कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा वट विल बी द करेक्ट आंसर तो यार ग्लूकोज की सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्लीज कार्बोहाइड्रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको पेपर में तय है सवाल मिलेगा ही चाहे किसी ही बात से मिल, बिल्कुल सही है एन हेक्सेन देखो जब हम ग्लूकोज की हीटिंग करते हैं सी एच ओ एच फोर सी एच टू ओ एच बस रिवीजन कर लीजिएगा आप इन क्वेश्चनों का आप पढ़ के तो आए हो बहुत सारे बच्चे लगभग सब क्वेश्चनों का सही जवाब दे रहे हैं बस चिंता मत करो आपकी तैयारी बढ़िया है यस क्या बन जाएगा सर एन हेक्सेन बन जाएगा एन हेक्सेन बन जाएगा भाई साहब हमारे पास सी एच टू सी एच थ्री सी एच थ्री एन फॉर्मेशन हो जाएगी द करेक्ट आंसर शुड बी टी आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2018। हजार चले आगे चलिएगा बहुत बढ़िया अनकंट्रोल रिडक्शन होता है क्वेश्चन नंबर रिएक्शन विद ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेल ग्रुप इन ग्लूकोज इनमें से बताइएगा हमारे पास ग्लूकोज में कार्बोनेल ग्रुप प्रेजेंट है उसके लिए हम यहाँ पे किस कौन सा रिएजेंट हमारे पास ये बताएगा कि ग्लूकोज में कार्बोनेल ग्रुप रहेंट है आपको ग्लूकोज में हमारे पास सी एच ओ होता है फ्रोक्टोज हमारे पास कीटोज फॉर्म होती है बताइएगा क्या आंसर होगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर बता दो भाई साहब कर लोगे चलिएगा देखो यार इसके अलावा ओ ओ बिल्कुल सही है इसके अलावा अगर हमें और भी दे देते सही है ना टू एन एच टू ये भी हमारे पास कार्बोनल कंपाउंड की प्रेजेंस को बताता है और एक हमारे पास अगर मैं बात करूं दैट इज फिनाइल हाइड्राजीन फिनाइल हाइड्राजीन अगर हमें देते था वो भी हमारे पास इसकी प्रेजेंस के बारे में बताता है सही पी एच एन एच एन एच टू और एच सी एल सही है और रिएजेंट है ये और लिख देता हूं मान लो ये अगर हमें मेंशन करके ना दे एन एच टू सीओ एन एच एन एच टू hcl ये सब हमारे पास रिएजेंट होते हैं जो हमारे पास ग्लूकोज में किसकी बात करते हैं कि यहाँ पे कार्बोनेल ग्रुप प्रेजेंट होता है सही है तो प्लीज इन सब को याद रख लीजिएगा यस यस कर लोगे समझे नहीं समझे बिल्कुल सही है यस hcn भी बताता है बहुत बढ़िया ये भी याद रख लीजिएगा ये भी ऐड कर लीजिए आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2018 में पूछा है द रिएजेंट व्हिच कैन बी डिस्टिंग स्कूल लेक्चरर के हो गए खत्म याद रखिएगा आपके में रिपीट बहुत सारे होते हैं। और आरपीएससी ज्यादातर जो भी पेपर कंडक्ट करवाती है केमिस्ट्री के उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करती है जैसे आरपीएससी के हेडमास्टर में पूछ लिए कॉलेज लेक्चरर के स्कूल लेक्चरर में पूछ लीजिएगा बताओ भाई साहब वैसे आपको अगर मैं बात करूं और टोलेंस रिएजेंट ये ऑलरेडी मैं आपको डी ब्लॉग में पढ़ा चुका हूँ ब्लॉग वाले सेशन में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अब कह रहा है कि भाई साहब बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज स्टार्च और सेलुलोज में हम किससे डिफ्रेंशिएट करते हैं यस yes, देखो यार आयोडीन सोल्यूशन से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिल्कुल सही है मैक्सिम बच्चों ने बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है यस 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 सही है भाई साहब कर लोगे यस yes. देखो एक्चुअली होता क्या है ध्यान से सुनना हमारे पास दो थे और एक हमारे पास सेलुलोज था सही है ना इसमें हम क्या करते हैं पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन हम डालते हैं किसका डालते हैं पोटासियम आयोडाइड ये होता है हमारे पास सही है इसके अगर कलर की बात करें ये ऑरेंज ब्राउन कलर होता है ऑरेंज ब्राउन कलर होता है सही है और जब हम स्टार्च में डालते हैं ना तो ये जो सोल्यूशन है ये चेंज हो जाता है ये हमारे पास बन जाता है ब्लू ब्लैक कलर बन जाता है ब्लू ब्लैक कलर सही है जबकि यहाँ पे हमारे पास सेलुलोज इस टेस्ट को नहीं देता तो याद रखिएगा आयोडीन जो सोल्यूशन है ये हमारे पास के लिए जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है सेलुलोज कोई रिएक्शन शो नहीं करता कर लोगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर एटीन हो गया क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अब देखो रो देखो 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 अब आप कहते हो ना ध्यान हाँ से सुनिएगा हम ये सारे सवाल क्यों कर रहे हैं आपको आरपीएससी के लगभग मैंने कॉलेज लेक्चरर के भी करवाए हैं लैब असिस्टेंट सब के ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन मुझे मिले सही है लेकिन एक बात देखो सेम सवाल आपके पास थोड़ी देर पहले 2013 में पूछा आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में और वही सवाल आ गया आपका कॉलेज लेक्चरर में बता दो भाई साहब तो सवाल रिपीट होते हैं मैं कह रहा हूं तीस से चालीस क्वेश्चन तो आपको वही मिल जाएंगे यार अगर आप लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर हेडमास्टर और आपका जितने भी आर केमिस्ट्री के पेपर कंडक्ट करवाता है आपने सारे पीवाई लगा लिए सही है ना तो स्कूल लेक्चरर का सवाल कॉलेज लेक्चर में पूछ लिया था करेक्ट आंसर शुड बी डी सही है ना तो मैं कह रहा हूं आज के सेशन से ही आपका काम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बीस आ जाओ भाई साहब इनवर्ट सुगर इज इनवर्ट सुगर किसको बोलते हैं तो यार देखो इनवर्ट सीगर आ जाए या फिर टेबल सुगर आ जाए तो ये हम किसको नाम देते हैं भाई साहब दैट इज सुक्रोज सुक्रोज को बोला जाता है किसको बोला जाता है सुक्रोज को बोला जाता है इन्वर्ट सुगर किसको बोला जाता है सुक्रोज को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी याद रखिएगा भाई साहब यार देखो एक बात और सुन लो ध्यान से बहुत सारे बच्चे बी भी, भी कह रहे हैं अब देखो बी कैसे गलत है सुन लो ध्यान से देखो इनवर्ट सुगर और टेबल सुगर हमारे पास किसका नाम है याद रखिएगा सुक्रोज को बोलते हैं एक्चुअली जो सुक्रोज होता है ना ध्यान से सुनिएगा इनवर्ट सुगर इसका नाम क्यों पड़ा ये भी देखो अगर सुक्रोज की बात करें ना नॉर्मली सुक्रोज हमारे पास होता है डेक्सट्रो अब देखो यार इनके जो मैं स्पेसिफिक रोटेशन का डाटा लिख रहा हूँ ना इसको भी याद रखना इसके अल्फा की वैल्यू होती है छियासठ डिग्री सही है ना और ये अब देखो पॉजिटिव है तो कैसा रोटेटरी हो गया डेक्सट्रो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं क्या करते हैं हाइड्रोलाइसिस तो ये ये हमारे हमारे पास पास बनाता है, D -gulose, D -gulose पास बनाता है है ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जबकि यहां पे आपके सामने ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ग्लूकोज फ्रुक्टोज लिखा हुआ है कॉन्फिग्रेशन के साथ देगा तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे जो डी ग्लूकोज होता है ये हमारे पास डेक्सट्रो होता है इसके एंगल पूछा जा सकता है बावन पॉइंट पांच होता है और जो फ्रुक्टोज होता है ये हमारे पास रोटेटरी होता है 92 तो पहले कैसा था ये डेक्सट्रो था पहले कैसा था आफ्टर इट गिव हमारे पास ये हमें दिया अब इस में आप देखोगे ओवरऑल हमें क्या मिलेगा लेवो मिलेगा क्योंकि रोटेटरी ज्यादा है ना लेबोरेटरी माइनस नाइनटी है तो इसका बिहेवियर चेंज हो गया समझाया नहीं समझे इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया इनवर्ट सुगर या टेबल सुगर द करेक्ट आंसर शुड बी ए प्लीज ये डाटा भी याद रख लीजिएगा ना यार कर लोगे समझा नहीं समझे क्लियर है आइएगा अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एमिन बेस देखो यार कितना आसान सवाल आया थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे स्ट्रक्चर पूछेगा या नहीं पूछेगा मैंने स्ट्रक्चर फिर भी आपको एक बार फिर से बताया है बाकी न्यूक्लिक एसिड का पूरा सेशन यूट्यूब पे भी है बच्चों उस सेशन को जाके देखिएगा आप सही है बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस तो मैं आपसे कह रहा हूं यार न्यूक्लिक एसिड में जो बेस इन्वॉल्व हुए हैं ना उनको प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाए बता दीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज थान बेस इनमें से थाईमीन बेस कौन सा है अगर आपने कहीं पे भी गलती कर दी तो वहीं पे मामला बिगड़ जाएगा वहीं पे मामला बिगड़ जाएगा थाइमीन बेस आपसे पूछ रहा है बता दीजिएगा करेक्ट आंसफर मनीषा बिल्कुल ध्यान से करो ऐसे जल्दबाजी में नहीं करने हैं सही है ना आप एसिड वाला लेक्चर जाके देखो एक बार बिल्कुल ध्यान से पेपर में आपको गलत करवाने के लिए बिल्कुल देगा समझ गए यस 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 अरे डी तो बिल्कुल नहीं होगा डी नहीं होगा भाई डी नहीं होगा डी नहीं होगा यस सी विल बी द करेक्ट आंसव कर लोगे आपसे कह देता यूरेसिल यूरेसिल कौन सा है यूरेसिल तो यूरेसिल हमारे पास कौन सा हो गया बी 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 इज यूरे ए, में भी डबल बॉन्ड दे दिया नहीं भाई ये भी नहीं है ए हो गया ए हो गया हमारे पास यूरेसिल ये तो है ही नहीं ये तो है ही नहीं A हमारे पास हो गया यूरेसिल कर लोगे बोलो यार समझ आया है? नहीं आया सही है ए हमारे पास ग्लाइस क्या बोलते हैं साइटोसीन साइटोसीन है ये साइटोसीन यूरेसिल हो गया सी हमारे पास थान हो गया और बी हमारे पास क्या बन गया साइटोसिन कर लोगे प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनको भी याद रख लीजिएगा सवाल आ चुका है कॉलेज लेक्चरर 2016 में क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लोबलर प्रोटीन देखो फिर से मैं कह रहा हूं बार बार आया हुआ है ग्लोबुलर प्रोटीन याद रखिएगा भाई साहब याद रखिएगा इंसुलिन हेमोग्लोबिन आ जाए मायोग्लोबिन आ जाए फेरिटीन आ जाए एल्बुलिन आ जाए ये सब कैसे प्रोटीन होते हैं ग्लोबलर प्रोटीन होते हैं ग्लोबलर कॉलेज लेक्चरर 2016 में सवाल आया रिपीट हो रहे हैं स्कूल लेक्चरर के सवाल सीधे उठा के कॉलेज लेक्चर में डाल दिया यार राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब लेनी है सिंपल सा फंडा केमिस्ट्री के सारे पेपर लगा जइएगा यार सारे पेपर लगा जाइएगा लैब असिस्टेंट सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मुझे नहीं लगता उनसे बाहर सवाल आपको देखने को मिलेगा ट्वेंटी थ्री द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ग्लूकोज यूनिट ऑफ सेलुलोज बताओ भाई साहब थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी यार हमने सेलुलोज की थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी हमने भाई दूसरा आपसे सेलुलोज की मोनोमर यूनिट भी पूछी जा सकती है चलिएगा बॉक्स में कमेंट करके बताओ सेलुलोज की मोनोमर यूनिट क्या होगी यस बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज होगी थोड़ी देर पहले ही बताया था यस यस बिल्कुल सही है बी है चलिएगा सेलुलोज की मोनोमर यूनिट और चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट सेलुलोज की मोनोमर यूनिट जवाब दे दीजिएगा भाई साहब यस yes, बिल्कुल सही है बीटा ग्लूकोज जवाब आ गया है यस yes. एक बात और बता दो बार बार पूछा जाएगा सेलुलोज कैसा सुगर है रिड्यूसिंग सुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शिगर एक और बात बता दो यार सेलुलोज कैसा है सेलुलोज कैसा सुगर है यार जो जो रिड्यूसिंग है उनको एक तरफ लिख लीजिएगा जो जो नॉन रिड्यूसिंग है उनको एक तरफ लिख लीजिएगा इस बात से भी कई बार सवाल पूछा गया है यस नॉन रिड्यूसिंग होता है कैसा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर कर लोगे चलिएगा आगे मुंह करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर फिर से यार वही रिपीट सवाल रे अरे वही रिपीट सवाल स्कूल लेक्चरर का सवाल किस में पूछा कॉलेज लेक्चरर में पूछा बता दो अभी पढ़ा था भाई साहब हमने क्या होगा सर बीटा डी बस उसमें ऑप्शन डी दे रखा था यहाँ ए में रख दिया बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोस कर लोगे यस yes, यस yes, बिल्कुल सही है अगर स्टार्च भी नॉन रिड्यूसिंग है पोलिस हमारे पास क्या होंगे नॉन रिड्यूसिंग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द रिएक्शन आ जाओ भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है बता दो ये बता दो क्या होंगे और अगर ये नहीं भी पता चिंता मत करो अभी सीख जाओगे आप बिल्कुल चिंता मत करो कर लोगे बोलो यार कर लोगे चलिएगा मैक्सिमम सब बच्चों ने सही जवाब दे दिया यार सुर भी कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है देखो बिल्कुल सही है देखो एपीमर वो होते हैं हमारे पास देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपसे वो हमारे पास यहाँ पे हैगजोज से ही आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे सही है यस बिल्कुल सही है सी टू एप, आपने बता दिया है अब आ जाओ यार समझ लो देखो अभी देखो जिनका नहीं हुआ अभी देखो यार एक बात और समझिएगा देखो अगर एग्जोज की हम बात करें ना यार ध्यान से सुनना है यहाँ पे देखो यार हमारे पास टोटल आठ स्ट्रक्चर बनते हैं आठों के आठों स्ट्रक्चर अब आप समझना सही है देखो भाई यहाँ शुरुआत अब हम देखो अब ध्यान से समझिएगा एक बात आपको पता यहाँ सी एच ओ होगा यहाँ सी एच टू ओ एच होगा सही है? यही होता है जो कॉन्फिगरेशन चेंज होती है वो इन्हीं पोजीशन पे हमारे पास चेंज होती है अब ये एक बार यस बीएससी का टॉपिक है बिल्कुल सही है अब आप समझ लो देखो अगर यार ये चारों ओएच ग्रुप राइट साइड में है चारों ओएच ग्रुप राइट साइड में है चारो हमने कहा कर दिया भाई राइट साइड में तो ये हमारे पास शुरुआत होती है डी एलओज एलोज से हम शुरुआत करते हैं पहला हमारे पास जो होता है सही है अब डी में हम थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे क्या करेंगे देखो अब सुनते जाना सिक्वेंस वाइज भाई तीन ओ इधर रखो सही है एक ओ हमने इधर कर दिया सही है ये भी ही है। सही है सी एच टू ओ एच सही है ये हमारे पास बनता है डी एलेक्ट्रोज पहला एलोज दूसरा हमारे पास क्या बन गया एलेट्रोज़ अब क्या करेंगे अब हमने एक काम किया देखो 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 बस ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है आपके सारे सवाल हो जाएंगे अगर ये सीक्वेंस आपको याद रही तो सही है देखो चारो ओ इधर है एक्सोज में क्या नाम रखा एलोज ती एक उधर कर दिया एल्ट्रोज अब दो उधर कर दो यार दो उधर कर दो, दो उधर कर दो ओ एच ओ एच दो इधर कर दो ओ एच ओ एच ध्यान रखिएगा समझना एक बार इसका नाम होता है मैनोज क्या नाम होता है जो अभी सवाल आया था मैनोज सही है। एक लास्ट हमारे पास क्या बनेगा इसमें हम क्या करेंगे अब देखो यहाँ पे हमने दो उधर किए हैं अब यार क्या करो आप ये सी एच टू ओ एच और ये हमारे पास सी एच ओ यहाँ पे तीनों ओ OH एच लेफ्ट में कर दो तीनों ओ OH एच लेफ्ट में कर दो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है एच 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 ये बन जाएगा और इसका नाम आप भी चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो ये होता है टेल्लोज क्या होता है टेल्लोजोज सही है एक सीक्वेंस आपको ये फॉलो करवानी है सही है ना दूसरी सीक्वेंस जब आप शुरू करोगे चार स्ट्रक्चर बन गया आपके पास क्लियर है दूसरी जो सीक्वेंस आप शुरू करोगे उसमें क्या याद रखना फिर से वही बनाना है सेम वैसे ही अब आप यहां पे शुरू करो ग्लूकोज से इससे शुरू करोगे ग्लूकोज से ग्लूकोज सबको पता होगा भाई साहब सर दो ओ एच एच, ओ एच, एच. यहां पे हमारे पास ये ओ एच इधर होता है एच और ये वाला ओ एच राइट साइड में होता है ये हमारे पास बन गया डी ग्लूकोज डी ग्लूकोज नंबर पांच क्या बन गया डी ग्लूकोज डी ग्लूकोज के बाद जाएंगे हम डी पे क्या करेंगे यार आ जाओ, देखो ट्रीक देखो ट्रिक ट्रिक देखो गुल इसी तरीके से आपको याद करने हैं और बाकी जिसको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया अब इसमें क्या करोगे ना देखो इससे इस पे जाना है सेम यही तरीका आपको फॉलो करवाना है जो ऊपर है उसको यहां नीचे ले आओ जो ऊपर है उसको यहां नीचे ले आओ यानी कि ऊपर यहाँ से शुरू करो यहाँ पे क्या था ओ एच राइट साइड में दूसरे नंबर पे सर ये ओ एच था ये एच था बाकी ये दोनों ये 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 दोनों ओ एच नीचे वाले ओ एच ओ एच ओ एच एच ये हमारे पास बन गया क्या गुल्लोज क्लियर है गुल्लोज के बाद आएगा हमारे पास आइडोज आइडोज में क्या करोगे आज आइडोज और देखो लास्ट बस इसमें थोड़ा सा अब देखो सारे आपके सवाल हो जाएंगे एपीमर वाले जो भी सवाल होंगे इससे हो जाएंगे अब देखो यार ये जो बनाना है ना इसमें क्या करोगे ये नीचे वाली सीक्वेंस एज इट इज रख दो ओ एच एच ओ एच एच और ये जो ऊपर वाली जो सीक्वेंस थी हमारे पास ग्लूकोज वाली उसको यहां पे पलट दो उसको यहां पे इस वाली सीक्वेंस को यहां पे पलट दो यहां एच इधर था यहां पे ओ एच इधर कर दो यहां पे ओ एच इधर कर दो ये हमारे पास बचगा आयडोज आयडोज ग्लूकोज ये बना ग्लुज और लास्ट हमारे पास बनेगा गैलेक्टोज गैलेक्टोज में क्या होगा ये हमारे पास सी एच टू ओ एच ये हमारे पास सी एच ओ की, की जाए तो गैलेक्टोज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल इसमें क्या होगा ये वाला सेंटर ग्लूकोज जैसा ही होगा यहां पे हमारे पास ओ OH एच इधर आएगा और ये जो बीच वाले दोनों ओ OH एच हमारे पास बचे बीच इसमें यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई यस ग्लूकोज की तरह बनाना है ना हाँ ओ एच उधर गया यस एक गड़बड़ हो गई रुक जाओ भाई सारा बनाया बनाया खेल खत्म हो गया यार एक कैसे आएगा बैक कैसे करूं एक मिनट रुको भाई एक मिनट रुको एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको भाई कोई बात नहीं एक बार फिर से अब देखो सब बनाएंगे अभी तक तो मैंने बनाए थे अब सब बनाएंगे एक बार जैसे मैंने बताया था उसी सिक्वेंस में हमें बनाना है भाई कौन से क्वेश्चन पे थे हम क्वेश्चन नंबर बता दो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ये सब हो गए थे देखो जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा है ना वो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा शुरुआत कहाँ से की थी हमने चार स्ट्रक्चर बनाने अभी बना देंगे कोई दिक्कत नहीं है एक बार आप भी ट्राई करो साथ साथ जो तरीका हमने सीखा है उसी तरीके से भाई सबसे पहला के सर ये सी एच ओ ये सी एच टू ओ एच यही रहना है सही है चारो ओ एच OH ग्रुप आप यहाँ रखोगे इसका नाम हमने क्या रखा इसका हमने नाम रखा क्योंकि यार सवाल आएगा इसी से एलोज फिर हमने क्या किया सर एक को हमने राइट साइड में पलट दिया एक को ट्रिक भी देख लो एक को हमने राइट साइड में रख दिया ये हमारे पास क्या बन गया था बताओ जल्दी से ये ओ एच ये ओ एच ये ओ एच ये, ये चार है यहाँ पे सी एच टू ओ एच ये हमारा बन गया था डी एल्ट्रोज एल्ट्रोज्रोज सही है उसके बाद अगर हम बात करें सर इसमें हमने क्या किया हमने दो उधर पलट दिए दो उधर पलट दिए दो इधर रखे बाकी जगह हाइड्रोजन 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 ये सी एच ओ ये सी एच टू ओ एच एल्ट्रोज के बाद हमारे पास क्या बन गया था भाई साहब सर ये बना था मैनोज डी में सब है। इसमें हमने क्या किया भाई आ जाओ यहाँ पे सी एच टू ओ एच था यहाँ पलट दिए तीन तीन और ये ये हमारे पास बना टेलो क्या बना टेलोज इसके बाद मैंने आपको बताया क्या करोगे आप फिर से आप अपनी नोट में साथ साथ बनाइएगा तभी याद होंगे यार ये सी एच ओ ये गुलगो सबको याद होगा सर ग्लूकोज में क्या होता है सर ओ एच ओ एच 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 ये ओ एच इधर जाएगा एच ओ एच और ये एच ये हमारे पास था ग्लूकोज मैंने क्या कहा आपसे सो so, आपके पास ग्लूकोज में ग्लूकोज को याद रखो अगली सीक्वेंस पढ़ाने के लिए भाई ग्लूकोज को याद रखिएगा ग्लूकोज से हम गए किस पे सर जी ग्लूकोज के बाद हमारे पास आया गैलोज गैलोज में हमने क्या किया जो नीचे वाली सीक्वेंस है ना ये वाली इस वाली सीक्वेंस को ऊपर लगा दिया यानी कि सर यहाँ तो ओ एच ओ एच 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 ये क्या था सी एच ओ और जो तो ऊपर वाली सीक्वेंस है उसको नीचे ले आए सर ये ओ एच इधर ये, एच, ये ओ एच इधर ये एच ये हमारे पास बन गया था क्या गैलोज ग्लूकोज के बाद बना गैलोज इसके बाद हमें बनाना था आइडोज यही पे थे हम फिर से ये सी एच टू ओ एच आईडोज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आईडोज में क्या करना है हमें आईडोज और लास्ट वाला जो है आपके पास ठीक है इनमें आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करवानी है सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा ये देखो ये जो सीक्वेंस है इसको एस इज यहाँ पे उठा के रख दीजिएगा ओ एच एच ओ एच सही है ये हो गया यहाँ पे जो सीक्वेंस लेके आओगे वो ग्लूकोस से अपोजिट लाओ से अपोजिट यानी ग्लूकोस में ओ एच इधर है तो इसमें इधर ले आओ हमारे पास ओ इधर था इसको इधर ले आओ ये हमारे पास बन जाए लास्ट जो बचा लास्ट जो बचा हमारे पास लास्ट वेरी वेरी सिंपल लास्ट गैलेक्टोज जो बचा गैलेक्टोज में आप क्या करोगे सेम सिमिलर वे में गैलेक्टोज में आपको कुछ नहीं करना जो बीच वाले तो ये दोनों ओ एच ये दोनों ओ एच राइट साइड में रखने हैं और ये दोनों ओ एच लेफ्ट में आ जाएंगे आ जाओ भाई ये हमारे पास बन गया तो फिर से देखो एलोज में चारों इधर एल्ट्रोज आया एल्ट्रोज में एक इधर कर दिया लेफ्ट में सही है फिर मैनोज आया दो लेफ्ट में कर दिए फिर हमारे पास टेल्लोज आया टेलोज में हमने क्या किया सर जी चारों हमारे पास क्या कर दिए लेफ्ट सॉरी तीन हमने लेफ्ट में कर दिए पहले चारों नाम याद हो गए ए ए एम टी सही है आ जाओ यहां पे गुलकोज सबको क्लियर है गुलकोज में जो आपने अप्लाई किया नीचे वालों को उठा के ऊपर कर दो ऊपर वालों को नीचे कर दो गैलोज बन गया बोलो यार उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आया आइडोज 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 में क्या किया है ध्यान से देखो ये नीचे वाली सीक्वेंस एज इट इज है लेकिन ऊपर वालों की सीक्वेंस ग्लूकोज से अपोजिट कर दी बोलो ये आठ आपको याद रखने हैं और इन आठों से कई बार पेपर में ये मैंने इसलिए बनाया है यार कई बार सवाल आए हुए हैं कई बार सवाल आए हुए हैं अब देखो एपीमर क्या होते हैं जनरली जब हमारे पास एक सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए एक सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन हो जाए चेंज हो जाए तो देखो देखो, आपको समझ नहीं है, आप देखो से सुनो। जिनका हो गया ठीक है हमारे पास क्या दिया? दिया, और दूसरा हमें दिया। इन दोनों के बीच में बताओ क्या रिलेशन है तो प्यारे बच्चों साफ साफ देखो इसल्टी इस कायरल सेंटर, इस सेंटर, तो सेंटर है इसका और अगर हम देखें यहाँ पे इसमें आ जाओ इन तीनों कायरल सेंटर की कॉन्फिग्रेशन यहां पे क्या है सेम 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 एक सेंटर हमारा बदल गया ये वाला हैच वाला हैच वाला कौन सी पोजीशन से बदला है एक दो तीन चार पांच दूसरी पोजीशन से कौन सी पोजीशन से बदला है दूसरी पोजीशन से समझा नहीं समझे बोलो भाई समझ आया है, नहीं आया जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बात समझ आई या नहीं आई सुरभि तो जब भी हमारे पास कोई भी इनमें से दो स्ट्रक्चर उठा के दे देगा उनके बीच में रिलेशन पूछेगा तो एपीमर का रिलेशन उनके बीच में बनेगा जिनमें एक कार्बन एटम की कॉन्फिगरेशन अलग है कर लोगे यार अब तो बताओ ये सीक्वेंस भी याद रखोगे एलोज एल्ट्रोज मैनोज देन टेलोज यहाँ पे ग्लूकोज याद रखा ग्लूकोज के बाद कौन है गुल्लोज गुल्लोज में गए तो क्या करना पड़ा बताओ जल्दी से सिंपल वाइट ट्रिक याद रखनी है सर हमारे पास जो ये ऊपर था उसको यहाँ नीचे ले आया जो नीचे था उसको ऊपर लेके गया देन हाइड्रोज में गए सर एज एज इट इट इज इज नीचे वाले रखे, वाले रखे ऊपर ग्लूकोज के बदल दिए लास्ट 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 हमारे पास क्या था गैलेक्टोज गैलेक्टोज में हमने क्या किया सर गैलेक्टोज में सिंपल सा काम किया हमने क्या ये ऊपर वाला जो सेंटर था पहला कायरल सेंटर यानी कि दूसरा कायरल और ये हमारे पास पांचवा जो कायरल सेंटर था इनमें ओएच राइट में बीच वालों में लेफ्ट में खतम दो बार आप इन आठों के आठों को लिख के देख लीजिएगा आपका काम हो जाएगा समझा नहीं समझे कर लोग यार चलो ठीक है जिसको याद थे ठीक है जिनसे नहीं हुआ उनको मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है जिनको अपनी तरफ से जैसे भी याद है बहुत बढ़िया लेकिन एक ये बिल्कुल आसान सा वे है दो तीन बार आप लिख लोगे क्या पता सवाल आया तो गलत नहीं हो गया यहाँ से शुरू करना आप एल से जब भी पेपर में रिलेशन आ जाए कुछ नहीं टाइम सवाल को थोड़ा होल्ड में रख लेना अगर कन्फ्यूजन हो बाद में देख लेना एक बार किसका एपीमर होगा कौन सी पोजिशन का एपीमर होगा सही है ना अभी तो चलो यही पूछा है पोजिशन पूछ लेगा तो फिर हमें आठ के आठ स्ट्रक्चर पता भी होने चाहिए या फिर हमें दो भी इनमें से उठा के देगा उनका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए चलें आगे चलिए बहुत बढ़िया उम्मीद करूंगा नहीं होता बताया था क्या याद रखो डी एन ए में डीएनए में याद क्या याद रखोगे सर जी डी एन में याद रखूंगा कैट जी आर एन में क्या याद रखूंगा आर एन में याद रखूंगा काउ जी काउ जी, जी हो गया काम कह है आर एन में इनमें से कौन सा नहीं पहला ए, तो होता है भाई या हमारे पास साइटोसिन ओहो साइटोसीन भी होता है ओहो यूरेसील यूरेल भी होता है टी नहीं होता बी दो वर्ड याद रखने हैं यार बस दो वर्ड याद रखने हैं डीएनए में कैट जी आर एन ए में काउजी बोलो भाई कर लोगे बोल जाओ तो याद रखना डीएनए में कैट जी आर एन ए में काउजी मैच कर लेना यार पहला लेटर

अब आपसे कह रहा है बताओ इनमें सेल अमीनो एसिड डी अमीनो एसिड मिलेगा डी एल एल अमीनो मिलेगा, L अमीनो एसिड एसिड मिलेगा मिलेगा प्लस माइनस अमीनो एसिड मिलेगा ध्यान दीजिएगा यार ज्यादातर अल्फा अमीनो एसिड जो होता है ना अमीनो एसिड हमने पढ़े थे क्या होगा भाई साहब अमीनो एसिड में सर जी ये सीओ एच होता है ये एन एच टू होता है ये हमारे पास एच होता है ये आर ग्रुप होता है जनरली यहाँ पे इस कार्बन की जो कॉन्फिग्रेशन होती है ज्यादातर केस में ये एल होता है एल सही है और इसकी कॉन्फिग्रेशन आर और एस की बात करें तो ज्यादातर केस में एस मिलता है तो एल एस याद रखना समझा नहीं समझे कर लोगे बोलो यस बी विल बी द करेक्ट आंसर बी आएगा बी 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 ट्वेंटी फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन नेचर आ जाओ यार ये सवाल थोड़ा सा आप देख लीजिएगा जो भी बायोलॉजी से पढ़े हुए हैं भाई साहब इनमें नेचर में से वैसे इसका कई जगह कुछ कई बातें लिख रखी है लेकिन ध्यान देना देखो जो राइबोज होता है ना राइबोज डी राइबोज तो हालांकि नेचुरल ही होता है लेकिन जो एल राइबोज है इसको इंसान ने बनाया था तो हमसे नोट फाउंड इन नेचर तो फिर हम इसका जवाब राइबोज ही चूज करेंगे सही है <coughs> कर लोगे एल राइबोज को बनाया था इंसान ने डी राइबोज हमारे पास नेचुरल होता है लाइक्ज कह रहे हैं है यार चेक कर लेना अपना लाइजोज भी नेचुरल ही होता है

प्लीटेड सीट होती है इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना हमारे पास याद रखिएगा फिब्रोइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बीटा प्लीटेड सीट्स प्रोटीन से रिलेटेड सवाल है आ सकता है डी विल बी द करेक्ट आंसर डी विल बी दा करेक्ट आंसर इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बीटा प्लीटेड सीट्स होते हैं इलास्टोमर्स बोल रहे हो आप भाई नहीं यार पढ़ा हुआ आपने क्वेश्चन नंबर सिल्क में प्रेजेंट होता है सिल्क में सिल्क में सिल्क में चलिएगा आ जाओ आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एंजाइम जाइमेज इज सुटेबल टू कन्वर्ट भाई साहब जो जाइमेज एंजाइम है क्या काम करता है आ जाओ भाई प्रोटीन का सवाल है सेट दो हजार बारह मैं कह रहा हूं आपके पेपर में सवाल रिपीट होंगे तो इनमें से ही कुछ ना कुछ सवाल रिपीट हो रिपीट हो सकता है बताइएगा एंजाइम जाइमेज जाइमेज क्या काम करता है अरे तो भाई मेरे कह है इलास्टोमर भी एक प्रोटीन का ही टाइप है अरे तो बीटा सीट स्ट्रक्चर भी प्रोटीन ही है फेब्रोइन भी प्रोटीन ही है जिसका बीटा सीट स्ट्रक्चर होता है सही है ना बताइएगा भाई साहब जाइमेज क्या काम करता है यस बिल्कुल सही है जाइमेज यस यस जो ग्लूकोज होता है यस जो हमारे पास ग्लूकोज होता है यार उसको चेंज कर देता है ये इथेनॉल और सीओ टू में ना जाइमेज जो होता है ये हमारे पास चेंज कर देता है जो ग्लूकोज होता है सी एच जाइमेज जो होता है सी एच टू ओ एच का फोर ये सी एच ओ ये सी एच टू ओ एच इसको चेंज कर देता है इथेनॉल में प्लस सीओ टू में लिख लीजिएगा एल्कोल लिखा हुआ था सिंपल डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई द डज नॉट गिव सेम ओसा जोन हाइड्राजीन सेट दो हजार तेरह चौदह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार आपने रिएक्शन पढ़ी होगी किसकी रिएक्शन पढ़ी होगी भाई साहब फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन आपने पढ़ी होगी फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन पड़ी होगी यस बिल्कुल सही है नीता है यस फर्मेंटेशन का काम करता है में प्रेजेंट होता है फर्मेंटेशन का काम करता है यस बिल्कुल सही है ये बात भी हाइड्राजीन ओसाजोन फॉर्मेशन सबने पढ़ा होगा भाई ओसाजोन फॉर्मेशन सबने पढ़ा होगा ओसाजोन फॉर्मेशन सबने पढ़ा होगा यस बिल्कुल सही है मैक्सिम बच्चों यार देखो ध्यान से सुनिएगा देखो आपके पास डी ग्लूकोज आए डी फ्रुक्टोज आए और डी मैनोज आए इनको हम ओसाजोन फिनाइल हाइड्रोजिन से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास सेम प्रकार का सेम टाइप का ओसा जोन बनाते हैं आ जाओ अब ये ओसाजोन क्या बनता है भी आप देख लीजिएगा बेसिकली हमारे पास क्या होगा यहाँ पे देखो भाई सी एच टू ओ एच का मैं यहाँ से लिख देता हूँ ये सी एच टू ओ एच सही है आपको पता है यहां तक की कॉन्फिगरेशन ये जो कॉन्फिगरेशन है ये वाली ये इन तीन की और इसकी की कुछ नहीं इन तीन की ये कॉन्फिगरेशन ग्लूकोज में में मैनोज और फ्रुक्टोज में लगभग सेम होती है भाई साहब इन तीन की कॉन्फिग्रेशन सही है अब देखो इसके बाद क्या होगा यहां पे जो कार्बन आते हैं ना सी एच टू ओ एच ये हमारे पास सी एच डबल बोन्ड नाइट्रोजन इसके साथ हमारे पास एन एच पी एच ये जुड़ जाता है यहाँ पे डबल बोन्ड नाइट्रोजन एन एच पी एच ये हमारे पास बनता है जोन और इन तीनों में ये सेम जोन की फॉर्मेशन होती है इसलिए इन तीनों में हमारे पास यही बनेगा यस तीन मॉलिक्यूल लेते हैं बिल्कुल सही है कितने मॉलिक्यूल लेते हैं फिनाइल हाइड्रोजिन के हम यार तीन मॉलिक्यूल लेते हैं और इन तीन मॉलिक्यूल में से दो मॉलिक्यूल तो यहां चले जाते हैं और बाकी एक मॉलिक्यूल हमारा पी एच एन एच टू बन जाता है और एक अमोनिया में रिलीज हो जाता है सही है ये सवाल भी आया हुआ अभी आएगा सवाल समझे नहीं समझे यस यस बिल्कुल सही है सुरभि जी रश्मि जी बिल्कुल सही है सी टू एपीमर होते हैं हमारे पास कौन कौन ग्लूकोज और मैनोज लेकिन उससे रिलेटेड यहां तक का इन तीनों में काम सेम होता है तो जो चेंजमेंट होगा ऊपर हमारे पास ओसाजोन बन जाता है कर लोगे और बता दीजिएगा भाई साहब सही है या गलत है चले आगे समझ आया नहीं आया आगे यार। थर्टी टू, विच अमीनो भाई अमीनो का ना अगर आप लेक्चर देखोगे ना उसमें साफ साफ मैं तो सवाल तो खरा आज पढ़ रहा हूँ इसको उसमें साफ साहब मैंने ये भी कहा भाई पेपर में ऐसा ही पूछा जा सकता है बताओ ग्वेनेडीन ग्रुप कौन से अमीनो एसिड में प्रेजेंट है बता दीजिएगा चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं एस्पाराजीन प्रोलीन बताओ भाई बताओ 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 वट विल बी द करेक्ट आंसर बस इसी में से आ जाएगा आपका सवाल बहुत सारे सवाल है यार। हैं यार क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पे पहुंच गए हैं जवाब दे दीजिएगा भाई साहब क्या सही आंसर होगा फिर आगे मूव करेंगे हो गया होगा यस बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है अरेगनीन अरेगनीन सही है अरेगनीन पढ़ा था हमने यार क्या होता था वो जल्दी से सर जी ये कार्बन फिर से देखो सर ये सीओ एच सर ये एक एन एच टू सर यहाँ पे एच सर जी यहाँ पे सी एच टू का थ्राइस बोलो इसके साथ हमारे पास क्या जुड़ा होता है सर एनएच एन एच के साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड एन NH, एच ये एनएच टू ग्वेनेडीन टाइप सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट होता है यार यहाँ पे ये रहा ग्वेनेडीन टाइप में कर लोगे और एस्पाराजीन क्या होता, का भाई होता है टायरोन टाइरोन में क्या प्रेजेंट होता, होता है ये और बताओ जल्दी से टाइरोन भी पढ़ाया है। इसमें जो आर ग्रुप होता है ये हमारे पास क्या होता है सर जी ये होता है सी एच टू ओ एच प्रेजेंट होता है टाइरोन में प्रोलीन प्रोलीन वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रोलिन भी आपसे पूछा जा सकता है सर जी ये हमारे पास प्रोलीन ये था यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे COOH, और यहाँ पे हमारे पास एन एच ये होता है प्रोलीन कर लोगे हाँ बिल्कुल सही है पांच एम्बर रिंग प्रेजेंट होती है कर लोगे यार सही है ना एल्कोलिक अमीनो एसिड पूछ ले तो देखो ये ग्रुप राइस में टाइरोसिन में सही है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री द अमीनो एसिड एन कोडेड बाई द स्टार्ट कोडोन ए यू जी आ जाओ भाई साहब यार ये थोड़ा ज्यादा बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल हो गया लेकिन फिर भी मैं आपको एक आरपीएससी टीचर ग्रेड सेकंड में आया भाई साहब सेकंड ग्रेड 2011 में सवाल आया तो ध्यान रखिएगा यार सवाल जो भी हम कर रहे हैं ना रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांस है बता दो क्या होगा बता दीजिएगा या थोड़ा बहुत भी अगर आपने देखो वैसे कोडिंग डी पढ़ने लग गए ना तो यार हमें इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सही है ना टोटल कोड पूछ ले आपसे टोटल कोड कितने होते हैं चलो जल्दी से बता दो टोटल कोड कितने होते हैं ये बात बता दो भाई साहब पहले तो ये बता दो टोटल कोड कितने होते हैं टोटल कोड कितने होते हैं बताओ भाई साहब टोटल अमीनो एसिड यह तो पता है बीस अमीनो एसिड होते हैं आपसे टोटल कोड पूछ ले सागर कह रहा है सर बायोलॉजी में पूछा होगा सेकंड ग्रेड में कोई बात नहीं आ जाओ देखो यार बीस अमीनो एसिड होता है टोटल इनके जब आर एन जब सिग्नल हमारे पास ट्रांसफर होता है जब कोडिंग होती है सही है ना जब कोई प्रोटीन चेन तैयार होती है तो लगभग हमारे पास 64 कोड होते हैं कितने कोड होते हैं 64 20 अमीनो एसिड के कितने कोड होते हैं 64 उसमें से एक कोड होता है हमारे पास स्टार्ट का किसका होता है स्टार्ट का और स्टार्ट का जो कोड है उसका नाम क्या है ए यू जी और हमारे पास अमीनो एसिड जो इस कोडिंग के साथ इंक्लूड होती है वो हमारी होती है मीथियोन क्या होती है methionine. कौन सी होती है methionine. तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं स्टार्ट और स्टॉप ये दो बात आप याद रखिएगा तो स्टार्ट का याद रखोगे एयू और हमारे पास क्या आ गया कौन सा अमीनो एसिड मिथ्योन मान लो पेपर में आ जाए स्टॉप का पेपर में आ जाए स्टॉप का तो भाई साहब स्टॉप का और लिख लीजिएगा अगर स्टॉप का आपसे पूछता तो स्टोप का कोड होता है यू ए ए या फिर यू ए सी और ये इनके साथ हमारे पास एसोसिएट करता है अमीनो एसिड लिख देता हूं इनके साथ एसोसिएट करता है टाइरोन और एक और कोड होता है दैट इज ये भी स्टॉप के लिए होता है इसके लिए अमीनो एसिड इंक्लूड होता है ट्रिप्टोफन ट्रिप्टोफन ऑलरेडी पढ़ा हुआ आपने ट्रिप्टोफन प्लीज तो याद रखिएगा ना कर लोगे तो टोटल चौंसठ कोड होते हैं भाई साहब उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा या क्या पता आपके पेपर में यार पूछ ले सही है ना कोई बात नहीं अब याद रखना ना हमें चौंसठ कोड याद नहीं करने यार हमें बस इतनी सी बात याद रखनी है स्टार्ट और स्टॉप क्या बता बार पेपर में स्टॉप आ जाए सही है ना आज का सेशन हमारा काम हो जाए बस मेन है यार अपना टारगेट यही है आपको पेपर में सवाल मिले 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 करवाए हुए ही मिले मिल आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल डाइसेक्राइड यार डाइसेक्राइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसका तो बिल्कुल यार क्या ही बताओगे बता दो जल्दी से बता दो यार अभी आपने डिस्कस किया है अभी हमने डिस्कस किया है डाइसेक्राइड यानी कि हमारे पास दो यूनिट जुड़ी होंगी भाई दो यूनिट जुड़ी होंगी बताओ भाई साहब अब रश्मि अरोड़ा जी कह रही है टर्मिनेशन कोड और भी बता दो भाई सर्च कर लेना टर्मिनेशन कोड और दो लिख के लेके आया था एक स्टार्ट और एक स्टॉप स्टोप एक स्टार्ट पेपर में आ चुका है क्या पता आपके पेपर में स्टॉप आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक एग्जांपल ऑफ दाइसे कर लोगे यार यस क्या होगा माल्टोज होगा जल्दी से बताओ माल्टोज की मोनोमर बताओ यूनिट बताओ मोनोमर यूनिट बताओ माल्टोज की भाई इसमें कौन सी यूनिट जुड़ती है और एक सवाल और बताओ लिंकेज लिंकेज और बताओ लिंकेज और बताइएगा भाई साहब तो भाई मैं आपसे यही कह रहा हूं पोली में तो याद रखोगे स्टार्च और सेलुलोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनकी लिंकेज सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है माल्टोज में ए, दो ग्लूकोज होते हैं अल्फा अल्फा होते हैं यस बिल्कुल सही है अल्फा वन फोर ग्लूकोज डी लिंकेज बिल्कुल सही है भाई बिल्कुल सही है सही है एक माल्टोज याद रखना है सही है एक हमारे पास सेलोबायोज होता है एक सेलुलोज होता है एक सेल्लोबायोज भी होता है सही है तो प्लीज जो हमारे पास डाई है उन भी फोकस रखिएगा ना कर लोगे यस वन फोर ग्लाइकोसिडी की होती है लगभग ज्यादातर में एक जगह ही वन सिक्स आता है चलिएगा माल्टोज हो जाएगा अभी हमने पढ़ा मैनोज डेक्सट्रोज गैलेक्ट्रोज ये सब क्या थे ये तो हमारे पास मोनोसेक्राइड थे यार थर्टी फाइव द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन बी ट्वेल्व आरपीएससी सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड 2013 में पूछा

आयरन का स्टोरेज कौन करता है फेरेटीन करता है फेरेटीन नाम का प्रोटीन करता है आपसे कहते हैं आयरन का ट्रांसफर कौन करता है हमारी बॉडी में ट्रांसफर तो ट्रांसफर कैसे नाम ही ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है इज ट्रांसफेरीन ट्रांसफेरीन ये भी आप याद रख लीजिएगा हमारी बॉडी में माइग्लोबिन क्या करता है सर ओ टू का स्टोरेज करवाता है हेमोग्लोबिन क्या करता है सर ओ टू का ट्रांसफर करता है ओ टू का ट्रांसफर करता है सवाल आ जाए मैग्नीशियम कहाँ प्रेजेंट होता है तो ये आयरन की बात होगी सर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है किसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कह दे बताओ कहा होता है फोटोसिंथेसिस सर क्लोरोफिल में होता है क्लोरोफिल में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है क्लोरीन रिंग क्लोरीन रिंग क्लोरीन रिंग क्लोरीन रिंग में आपसे कह दे कौन सा मेटल बाइंड करता है मैग्नीशियम मैग्नीशियम को छोड़ के और कौन सा मेटल फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है ज मैगनीज एम एन एम एन एम एन सही है? First पढ़ते है, second पढ़ते है सही है और आपसे पूछ लेकिन कहाँ प्रेजेंट होता है तो झिंक यार जनरली हाइड्रोलेज एंजाइम में प्रेजेंट होता है किसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोलेज एंजाइम में प्रेजेंट होता है हाइड्रोलेज एनजाइम के एग्जाम्पल की बात की जाए तो वो भी मैं लिख देता हूँ जैसे आपका हो गया कार्बोनिक एन हाइड्रेज क्या हो गया कार्बोनिक एन हाइड्रेज पढ़े होंगे ये सब आपने में MSC में एमएससी भी सही है जैसे हो गया कार्बोक्सी पेप्टाइडे斯। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इनमें सब क्या प्रेजेंट प्रे प्रे करता है सीओ टू का हाइड्रेशन करता है कार्बोनिक एसिड में कार्बोनिक एसिड का डिहाइड्रेशन करता है सीओ टू में कार्बोक्सी पैप्टाइडेज क्या करता है सर ये हमारे पास पेप्टाइड चेन का क्या करता है हमारे पास सी टर्मिनल से सी टर्मिनल से क्या करवाता है हाइड्रोलाइसिस और एक टाइम में एक ही बोन्ड का हमारे पास हाइड्रोलाइसिस एल ए डी एच लीवर एलकोल डी पास क्या करता है एलएडीएच क्या करता है बताओ भाई साहब एलएडीएच का, का काम और बता दीजिएगा सर ये हमारे पास बेसिकली प्राइमरी एल्कोल का ऑक्सीडेशन करवाता है किसमें एल्डिहाइड में सेकेंडरी एल्कोल का किसमें चेंज करवाता है कीटोन में तो ये सब जिंक मेटल कंटेनिंग मेटलो एंजाइम कर लोगे चलिएगा तो थोड़ा बाइनऑर्गेनिक वाला अगर सवाल आएगा तो थोड़ी ये बात भी याद रखिएगा चले आगे दूसरा हाँ ये और पूछा जा सकता है हैमीमायोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन इनमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है तो इनमें हमारे पास रिंग प्रेजेंट होती है रिंग रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है पोरफाइरिन रिंग तो रिंग से रिलेटेड तीन बातें याद रखना हमारे पास अगर बात की जाएगी हेमी में पोरफाइरिन रिंग होती है सही हेमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में पोरफाइरिन रिंग होती है और फोटोसिंथेसिस में क्लोरीन रिंग विटामिन बी ट्वेल्व में कोरिन यह याद रखना आपने सही है चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिल्कुल आसान सा सवाल आ गया यार नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपसे पूछ रहा है बताओ जल्दी से बताओ भाई नॉन रिड्यूसिंग शुगर इनमें से कौन सा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर जल्दी से जवाब दे दीजिएगा चैट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिएगा भाई साहब नॉन रिड्यूसिंग शुगर इनमें से कौन सा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है बताओ 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 यार थोड़ी देर पहले ही तो हमने चर्चा की थी बताओ नॉन रिड्यूसिंग सुगर यस यस बिल्कुल जवाब आ गया है तो भाई मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ तो वाला कार्बोहाइड्रेट से और एक ग्लूकोज की बेसिक सी रिएक्शन बी आर टू की पानी के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ एच आई के साथ हाइड्राजीन के साथ वो बेसिक बेसिक चार पांच रिएक्शन है उनको याद रखना और एक रिड्यूसिंग सिगर नॉन रिड्यूसिगर सही है और एक

एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास बताइएगा ग्लूकोज हाँ, में हमारे पास ओपन चेन कितनी मात्रा में मिलता है ओपन चेन हमारे पास कितनी मात्रा में मिलता है <coughs> बता दीजिए यस यस बिल्कुल मिनिमम मिलता है यार एक चौसठ परसेंट मिलता है ये रिंग वाला ही मिलता है उसी में एक हमारे पास छत्तीस परसेंट मिलता है ये भी रिंग वाला ही मिलता है और जो ओपन चेन है ना उसकी अमाउंट वेरी वेरी मिनिमम लगभग सो तो यही हो गया यार तो ये पॉइंट कौन सा आएगा जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट सही है ना चलिए थर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय सन रे अरे बताओ भाई साहब इनमें से कौन सा है विटामिन जो हमें सूर्य देवता देता है बताओ भाई साहब सन बताओ जल्दी से बताओ भाई साहब बता दो ये तो आसान है सर ये आएगा ना ये ये तो हम नहीं करेंगे इसको तो हम बचपन से लेते हैं दिन में लेते हैं हम डेली सही है यस बिल्कुल सही है डी आएगा विटामिन डी आएगा नित्या जी कह रही है सर जी विटामिन सी बहुत बढ़िया विटामिन सी नहीं आएगा अच्छा आंसर सी है क्या डी कौन कह रहा है भाई विटामिन डी आएगा ऑप्शन सी है विटामिन डी आएगा भाई कर लोगे? सही है ना? और देखो यार ये भी जो विटामिन डी हमें मिलता है ना ये भी हमें मतलब सारी जो सनरेज होती है उनमें नहीं मिलता हमें सही है ना कि अब आप सोचोगे दो पैर में जाके बैठ गया मैं, नहीं नहीं जो लाइट सनरेज होती है ना बिल्कुल मध्यम गति की सुबह सुबह जो हमें मिलती है उनसे मिलता है हमें

तीन लेंगे यार यस 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 बिल्कुल सही है चलिए आगे मूव करते हैं यूपीपीसीडी खतरनाक सवाल पूछता है आ जाओ भाई साहब यूपीपीसीडी का जो एग्जाम पेपर का जो लेवल है ना वो बिल्कुल मतलब आता है कि हाँ भाई मास्टरों से ऐसा पेपर पूछना चाहिए आरपीएससी का जो पेपर आता है भाई साहब आरपीएससी का पेपर मान के चलो आप उसमें पचास सवाल तो नीट चाहिए पीवाई क्यों मिलेंगे अब सुन लो आप पचास सवाल तो मैंने बता दिए हैं भाई साहब पचास सवाल आपको पी वाई मिलेंगे नीट जाएंगे और उसमें थे बीस से तीस सवाल आपको रिपीट सवाल मिल जाएंगे आरपीएससी के पेपर के अस्सी क्वेश्चन तो यही हो गए यार कौन सी रिएक्शन होती है अगर पढ़ के आए हो तो यस बिल्कुल सही है यार लोबरी दे बुरियान वैन और ई रीअरेंजमेंट देखो नाम ही ऐसा सबसे बड़ा नाम सबसे बड़ा काम यस सही है एल डी वी आर बीएससी में पढ़ते थे इस रिएक्शन को चलिएगा आगे चलिएगाइज बाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पास किससे स्टेबलाइज होता है बता दो जल्दी से बता दो भाई साहब एल्फा हेलिक स्ट्रक्चर बताओ ये प्रो ये तो आपको पढ़ाया हुआ है प्रोटीन वाले चैप्टर में भी प्रोटीन में भी इसकी चर्चा हमने की हुई है प्रोटीन में भी हमने इसकी चर्चा की हुई है भाई साहब सुर कह रही है सर यूपी के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं चलेगा जवाब दे दिया यस देखो यार याद रखना ना अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है सही है जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है यस बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है ग्लकोज ऑन रिएक्शन ब्रोमीन वाटर देखो हरियाणा पीसीटी में 2019 में आया भाई साहब हरियाणा पीसीटी में 2019 में आया और देखो ये सवाल कब पहले आया पहले कब आया कब आया आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में आया उस सवाल को उठाया किसने आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर ने और फिर उसी सवाल को उठा लिया हरियाणा पीजीटी ने दो में तो मैं कह रहा हूं अगर पीसीटी लेवल के आपने यूट्यूब पे हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए पी पीवाई क्यू वो कर लिए आपको मिलेंगे मैं क्यों कह रहा हूं आपको एक तो मिलेंगे इसलिए तो कह रहा हूं मैं यार कर लोगे हा भाई बता दे ग्लूकोनिक एसिड बनेगा एसिड नहीं मिलेगा भाई साहब चलिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इराइथ्रोज एंड थाज बताओ भाई साहब इराइथ्रोज और थारोज क्या होते हैं यार ये तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल आसानी से बता भी दिया गया होगा यार सिंपल यार सी एच ओ ग्लाइसर एल में हम कहते हैं ये दोनों ओएच हमारे पास क्या आ गए एक साइड में आ गए दोनों अगर एक साइड में है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं इराइथ्रोज बोलते हैं और अगर ये दोनों ग्रुप हमारे पास क्या हो गया एक ग्रुप हमारे पास लेफ्ट में चला जाए एक ग्रुप हमारे पास क्या आ जाए राइट में आ जाए इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं थाइरोज थाइरोज यही होता है ये दोनों आपस में क्या होते हैं दोनों आपस में यस डाइस्टीरियो आइसोमर डाइस्टीरियो आइसोमर बोलो कर लोगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर आ जाओ यार थोड़ी देर पहले ही चर्चा हुई थी भाई साहब इस रिएक्शन की बता दो भाई हमारे पास दिया है ग्लूकोज ग्लूकोज को चेंज कर दिया किसमें इथेनॉल में और सीओ में रिएक्शन भी आपको बताई थी बताओ ये कौन सा मेटलो एंजाइम ये काम करता है जल्दी से बताओ यार थोड़ी देर पहले ही चर्चा हुई थी इसकी थोड़ी देर पहले ही चर्चा हुई थी और ये सवाल पूछा आरपीएससी केमिस्ट में 2011 में बता दो बता दो रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन यस यार ज़ाइमेज़, ज़ाइमेज़ होगा ना ज़ाइमेज़, फर्मेंटेशन ईस्ट में प्रेजेंट होता है यस क्वेश्चन नंबर 45 डेफिशिएंसी विच विटामिन कोजीज इंक्रीज fragility of rbc and muscular weakness rpsc junior chemist 2014 ये देख chemist का सवाल पहले भी rpsc में पूछा 2018 में तो भाई chemist के पेपर ले आओ सेकंड ग्रेड के ले आओ फर्स्ट ग्रेड के ले आओ और बैठ के सारे pq लगा जाओ लगभग तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवा ही दिए आपके यार सारे क्वेश्चन youtube पे भी अवेलेबल है उनको देखो बार-बार बता -बार. दो यस यस बिल्कुल सही है विटामिन ई क्वेश्चन नंबर सप्रेस इज ओवलेशन बताओ भाई साहब कौन सा हार्मोन हमारे पास सप्रेस ओवुलेशन जनरली ये किसमें होता है भाई साहब वोमेन्स में होता है बता दीजिएगा क्या सही आंसर होगा भाई साहब यस yes, यस yes, बिल्कुल सही है सी विल बी द करेक्ट आंसर सी आएगा भाई साहब दैट इज प्रोजेस्ट्रोन ये होता है भाई साहब टेस्टोस्ट्रोन ये हमारे पास किसमें प्रेजेंट होता है ये मेल्स में होता है और ये हमारे पास फीमेल्स में होता है सही है ना एस्ट्रोजन की अगर बात की जाए एस्ट्रोजन अगर इसके बारे में चर्चा की जाए तो याद रखिएगा यार जो एस्ट्रोजन है इसको हम ब्यूटी प्लस हार्मोन भी बोलते हैं सही है ना ये अगर पूछा जाए यह भी किसमें प्रेजेंट होता है फीमेल्स में प्रेजेंट होता है यस यस ये भी एस्ट्रोजन भी किसमें प्रेजेंट होता है फीमेल्स में प्रेजेंट होता है यस बिल्कुल सही है साइकिल को कंट्रोल करता है हमारे पास एस्ट्रोजन कर लोगे चलिएगा आगे मूव करते हैं तो याद रखिएगा तीनों हार्मोन इंपॉर्टेंट है यार कई बार इनसे पेपर में सवाल पूछ लेते हैं सही है ना आपसे ये भी पूछ सकता है इनमें से बताओ कौन सा हार्मोन फीमेल में प्रेजेंट है, है सवाल आया आरपीएससी केमिस्ट दो हजार चौदह में क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन ग्लूकोज नॉट रिएक्ट विद ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट नहीं करता बताइएगा भाई साहब बता दीजिएगा ग्लूकोज नॉट रिएक्ट विद ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट नहीं करता फटाफट पट बता दीजिएगा भाई यार देखो अभी देखो ग्लूकोज गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टोल रियज फेलिंग सॉल्यूशन इनके साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है यार सही है ना सही है दूसरा हाइड्रोजन साइनाइड एक्सियन के साथ भी रिएक्शन शो करता यस yes, बेस के साथ हमारे पास रिएक्शन शो नहीं करता ग्लूकोज स्किप बेस के साथ रिएक्शन शो नहीं करता नंबर फोर्टी एट इन गिवन रिएक्शन देखो यार फिर से आ गया ओसाजोन फिर से आ गया तीन ही मोलिक्यूल हमें दिए हुए हैं आरपीएससी केमिस्ट दो हजार चौदह बताइएगा वच विल बी द करेक्ट आंसर यस डॉक्टर रश्मि जी आपने बताया बिल्कुल सही है सागर नोट कर ले भाई फॉर्मूला गूगल कर लियो सही है बस ये बेस के साथ रिएक्शन शो नहीं करता मिल जाएगा गूगल पे सर्च कर लेना फॉर्मूला भी आ जाएगा आपके सामने इन द गिवन रिएक्शन बता दो जल्दी से बता दो ए और बी क्या होंगे यार ओसाजोन बन गया ए और बी क्या होंगे यार बताओ एक तो हमारे पास एनिलीन होगा हाँ चेक करके बताओ भाई साहब व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर वट विल बी द करेक्ट answer? यार देखो कंप्लीट जब रिएक्शन होती है ना कुछ बच्चे कह रहे हैं सी होगा कुछ बच्चे कह रहे हैं, यार हमारे पास ये होगा तो सी के साथ कितने लोग जा रहे हैं यार सी कैसे होगा यार अरे भाई दो तो जुड़ गए एक ही तो बचा ए की तो हमारे पास ही ये बचेगा अब यहां सी में तो यार देखो क्या बना के दे रखा है तो गया ए क्या बचेगा अमोनिया ए और बी पूछे हैं हमसे हाँ अगर एक और लिख देता सी तो फिर हम कहते भाई वाटर भी रिलीज होता है एक और लिख देता तो फिर हम कहते वाटर भी रिलीज होता है सही है ना चलिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर सुक्रोज बताओ भाई साहब सुक्रोज के लिए इनमें से कौन सी बात सही नहीं है पढ़ लो एक बार पढ़ लो आप आराम से पढ़ लो भाई सुक्रोज को अगर पढ़ के आए हो तो पढ़ लीजिएगा आरपीएससी जूनियर केमिस्ट 2014 में ये सवाल आया सवाल इंपॉर्टेंट है देखो राजा आरपीएससी के पेपरों में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं सही है जवाब दे दीजिएगा चारों स्टेटमेंट एक बार आप पढ़ लीजिएगा वट विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन का जवाब दे दीजिएगा भाई साहब चेक कर लो आराम से आराम से स्टेटमेंट रीड आउट कर लीजिएगा जिन बच्चों ने यार सेशन को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दुर्गा प्रसाद बहरा जी कह रहे हैं सर डी होगा बिल्कुल सही है देखो यार ये तीनों स्टेटमेंट सही है तीनों स्टेटमेंट सही है यही लिंकेज होती है सुक्रोज में सीवन ग्लूकोज और सी टू फ्रुक्टोज आओ डी ध्यान से सुनना सोल्यूशन ऑफ फ्रुक्टोज एक्सिबिट म्यूटा रोटेशन ये म्यूटा रोटेशन एक्सिबिट नहीं करता लिख लेना भाई साहब सुक्रोज जो है वो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता डी विल बी द करेक्ट आंसर यस विच ऑफ विच पोलिस्ट्राइड इज रिलीज इन बॉडी टू प्रिवेंट द इंटरनल ब्लड क्लोटिंग भाई ये सवाल देखो आरपीएससी लेक्चरर टेक्निकल डिपार्टमेंट 2020 में आया हुआ सवाल है बता दीजिएगा विल बी द करेक्ट आंसर क्या सही आंसर होगा बताओ फटाफट बताओ भाई साहब पचास क्वेश्चन हो गया पचास क्वेश्चन और हैं बस सवाल बाहर नहीं जाएगा इन्हीं में से किसी ना किसी सवाल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पेपर में आपसे पूछा जाएगा यस देखो यार बहुत बढ़िया थोड़ा जिन बच्चों ने बायोलॉजी पढ़ी हुई है वो इसका जवाब बिल्कुल जवाब दे देंगे सही यस हैपरीन देखो तो भाई साहब हैपरीन जो होता है ना ये ये हमारे पास एंटी कोगुलेटिंग होता है यार एंटी कोगुलेटिंग होता है एंटी कोगुलेटिंग सही है ना ध्यान से समझना ये जो हार्मोन हारमोन अगर हमारी बॉडी में नहीं होता ना तो भाई साहब बॉडी के अंदर ही खून जम जाता सही है ना बलड की क्या खास बात होती है हमें चोट लग गई तो खून निकलेगा थोड़ी देर बाद आप देखोगे भाई साहब खून जो है वो आपका डिपोज मतलब क्या होगा कोगुलेट कर जाएगा जम जाएगा लेकिन हमारी बॉडी में भी है हमारी बॉडी में होता है सही है क्या है ये खून को जमने देता भाई साहब जू में होता है सुर भी कह रही है सर जी लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो आ जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन आ जाओ डी मैनोज एंड डी गैलेक्टोज आर नोन एज एपीमर सुर भी और मैंने आपको अभी सिखाया था सब बच्चों को जल्दी से इस सवाल का जवाब दो भाई साहब देखो मैंने आपको तरीका सिखाया था वो तरीका इसीलिए सिखाया था दो बार बना बना के दिखाए थे कि आप इस टाइप के सवाल को गलत ना करो बताओ भाई साहब आप इस सवाल को गलत ना करो जल्दी से आराम से बनाओ बिल्कुल टाइम लगेगा बनाओ एक बार सही है डी मैनोज बोल रहा है और डी गैलेक्टोज बोल रहा है डी मैनोज मैनोज बनाओ भाई साहब और फिर डी गैलेक्टोज में जाओ दोनों में रिलेशन बता दो ग्लूकोज के साथ क्या है कर लो ए यस यस देखो बच्चों क्या करोगे सबसे पहले सर जी ग्लूकोज बनाएंगे ग्लूकोज बना लिया सर जी बना लिया यही था सी एच ओ सी एच टू ओ एच सर जी ग्लूकोज मैनोज अगर हम बनाए तो सर जी पहले हमारे पास कौन आया था एलोज एलोज आया था दूसरा फिर हमारे पास कौन आया था एल्ट्रोज देन आया था मैनोज मैनोज में हमने क्या किया था अगर मैनोज की अगर हम बात करें सर मैनोज में हमने किया था दो इधर दो इधर यही बनाया था ये हो गया सर जी मैनोज बोलो भाई और सर फिर हमने एक पढ़ा सबसे लास्ट जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था वो किसका बनाया था गैलेक्टोज गैलेक्टोज में हमने क्या बनाया था याद करो याद करो याद करो सर जी गैलेक्टोज में हमने क्या बनाया था ये ओ एच एच सर जी ये इधर ही था और यहाँ पे ये वाला जो ओ एच था ये हमारे पास सर जी इधर था और ये दोनों ओ OH एच हमारे पास कहाँ थे यही था गैलेक्टोज यार इसमें मैंने गड़बड़ कर दी एक गड़बड़ कर दी गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई गैलेक्टोज गैलेक्टोज यस गैलेक्टोज हमने बनाया था ये यहां पे ओएच था सर ये ओ एच, एच इधर रहेंगे ये ओ एच एच ये o -H -H, बोलो भाई यही था यही था अब आप चेक करो फटाफट चेक कीजिएगा देखो इधर देखो इसको मैच करो भाई साहब से गुलकोज से मैच करो यहाँ से शुरू करो एक दो दो पोजीशन पे दो पोजीशन दो पोजीशन दो में ग्लूकोज के साथ क्या हो गया एपीमर बाकी सब पोजीशन सेम है चेक कर सकते हो भाई साहब मैनोज में और ग्लूकोज में यह हमारे पास गैलेक्टोज था नंबरिंग देखो एक दो तीन चार एक दो तीन चार चार में है अलग यस हो गया कोई बात नहीं है जिसको शॉर्टकट में आता है तो शॉर्टकट में लेकिन हमने तो लॉन्ग कट में सीखा था ना कुछ भी घुमा फिर आगे पूछ लेगा गलती नहीं होगी जिसने शॉर्टकट में कर लिया बहुत बढ़िया लेकिन वही सिक्वेंस जो आपको सिखाई थी सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे यार एलोज से फिर एल्ड्रोज देन हमारे पास मैनोज देन हमारे पास टेलोज फिर दूसरे में ग्लूकोज से शुरुआत की थी ग्लूकोज के बाद गुल्लोज देन हमारे पास आइडोज और फिर गैलेक्टोज चलेगा बहुत बढ़िया चलो क्लियर हो गया बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट इज रिलेटेड टू सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर दो हजार उन्नीस बता दो जल्दी से भाई साहब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट इज रिलेटेड टू देखो सुरभि अभी आपने क्या किया है अभी आर्ट स्ट्रक्चर आपने पहले बनाया आपको तो दस बार बना लोगे ना तो फिर आप ये मत सोचिएगा कि आपको गैलेक्टोज का बनाने में टाइम बनेगा आप सीधा ही गैलेक्टो छाप दोगे याद हो ही जाएगा दिमाग में याद हो जाएगा और जिन जो अभी डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं भाई साहब उन्होंने इतना टाइम उस पर लगाया है अभी उनको याद हुए हैं यस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट किससे रिलेटेड होता है अमीनो एसिड से पढ़ा हुआ है हमने अमीनो एसिड में थ्योरी में भी हमने कवर कर रखा है चलिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री लेक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिज एच सी एल लैक्टोज को जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं लैक्टोज इज क्या था मिल्क 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 शुगर शुगर सर जी milk milk में जो शुगर होती है मिल्क में पूछ ले क्या प्रेजेंट होता है लैक्टोज बताइएगा भाई साहब हमें क्या मिलेगा चार ऑप्शन आपके सामने है फटाफट जवाब दे दीजिएगा लैक्टोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री बिल्कुल सही है डी 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 सर ये तो हम बिल्कुल पढ़ के आए हैं क्या ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज तो जितने भी हमारे पास क्या थे डाइसेक्राइड थे उनकी मोनोमर यूनिट भी आप याद रखिएगा ना चलिएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर कंपाउंड गिव ब्लू कलर ऑन रिएक्शन विद नीन हाइड्रीन नीन हाइड्रीन टेस्ट पढ़ा हुआ है भाई साहब हमने बता दो जल्दी से इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ब्लू कलर ब्लू भी देता है फिर जनरली हम बोल देते हैं हमारे पास डार्क पर्पल कलर बोल देते हैं बता दीजिएगा yes. जो होता है अगर हम बात करें देखो जो नीन हाइड्रीन जो टेस्ट करवाए जाते हैं ज्यादातर हमारे लिए अमीनो एसिड के बारे में अमीनो एसिड प्रेजेंट है नहीं और अमीनो एसिड हमारे पास किसमें प्रेजेंट होते हैं सर जी प्रोटीन्स में प्रोटीन्स में सी 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 कर लोगे क्लियर है समझ गए चलेगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन 55. 55 आ जाओ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद बी आर टू वाटर लोव आइजा अब सीनियर साइंटिफिक में ऑफिसर 2019 में सवाल आया फिर से वही आ गया भाई साहब सागर आ गया सवाल भाई कर लोगे बता दो क्या बनेगा कुल कॉनिक एसिड सही है सैक्रिक एसिड कब बनेगा सर जी जब हम किसके साथ ट्रीट करवाएं थ्री के साथ एन एग्जेन कब बनेगा सर जब हम हीट करवाएं किसके साथ HI के साथ कर लोगे बोलो चलेगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बात भी हो चुकी है आज की क्लास में ही हो चुकी है अमाइलेज और अमाइलो पैक्टीन इन दोनों के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं इन दोनों के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं जल्दी से बता दीजिएगा भाई साहब बता दो भाई साहब क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स वच विल बी द करेक्ट आंसुर विल बी द करेक्ट आंसुर यस बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे स्टार्च इनका परसेंटेज भी पूछा जा सकता है ना कह देगा अमाइलो अमाइलोज कितना होता है अमाइलो पैक्टीन कितना होता है यार तो अमाइलोज जनरली होता है लगभग बीस परसेंट और अमाइलो पैक्टीन कितना होता है अस्सी परसेंट कर लो बोलो क्लियर है समझ आया नहीं आया चलिएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं पोली सैक्राइड फॉलोइंग इज इनमें से बताओ पोली कौन सा है पोली कौन सा है जल्दी से बता दो भाई साहब फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन बताओ भाई बताओ 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 चलिएगा मैक्सिम बच्चों ने जवाब दे दिया है सर जी द राइट आंसर शुड बी सी देखो यार कुछ ऐसा अगर आ जाता है ना यस यस बिल्कुल सही है एनिमल स्टार्च होता है बिल्कुल सही है ग्लाइकोजन एनिमल्स में होता है देखो जैसे अगर हम बात करें फ्रुक्टोज हमने पढ़ा हुआ था ये हमारे पास मोनोसेक्राइड होता है राइबोज हमने पढ़ा हुआ था न्यूक्लिक एसिड में ग्लूकोज काटते चलो यार कुछ नया आ जाता है तो सही है ना बिल्कुल सही है ऑप्शन हम काट के कर लेंगे अगर कोई सवाल नया आ भी गया तो हम ऑप्शन काट देंगे विद एन एच जी एंड वाटर जब हम फ्रुक्टोज का रिडक्शन करवाते हैं एन ए एच जी और वाटर के साथ तो बताओ हमें क्या मिलता है भाई ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है और अगर आप पढ़ के आए हो तो बता दीजिएगा हमें क्या है वच विल बी द करेक्ट आंसर बता दो भाई साहब चलिएगा आ जाओ यार इस रिएक्शन को और नोट कर लो बच्चों सही है ना क्या पता सवाल में आ जाए सही है बिल्कुल सही है जवाब आएगा सर सोरबिटल मिलेगा और हमें मैनिटोल मिलेगा देखो क्या होता है सिंपल देखो यार सबसे पहले आप क्या बनाओगे फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रुक्टोज में क्या होगा यार देखो आ जाओ इस रिएक्शन को और देख लो सर फ्रुक्टोज में हमारे पास होगा सी एच टू ओ एच यहाँ पे हमारे पास क्या था सी डबल बोन्ड ओ सर इस कार्बन पे हमारे पास क्या था इस कार्बन की अगर बात की जाए ओ एच एच इस कार्बन था -H -H. इस कार्बन पे क्या था ओ एच एच यहाँ पे क्या था सी एच टू ओ एच जब हम इस रिडक्शन करवाते हैं एन ए एच जी के साथ सही है और क्या दिया है रिएजेंट में हमें एंड वाटर वाटर तो देखो भाई साहब हमारे पास इसका रिडक्शन हो जाएगा ये ग्रुप हमारा अल्कोहल में चेंज हो जाएगा और जब एलगोल में चेंज होगा तो भाई साहब कुछ इस तरीके के हमारे पास ये दो प्रोडक्ट बनाएगा ये सी एच टू ओ एच ऊपर भी सी एच टू ओ एच और इस पोजिशन पे अगर हम देखें ना देखो ये हमारे पास यहाँ पे ओ OH एच था ये एच था ये ओ एच था ये एच था ये एच ये ओ OH, एच इस पोजिशन पे ओ OH एच अगर राइट साइड में आ जाता है इसको हम बोलते हैं है, सोरबिटल और अगर ये ओ OH एच हमारे पास लेफ्ट में आ जाता है ये ओ एच हमारे पास आ जाए लेफ्ट में बस इस ओ एच को अगर यहां जोड़ देते हैं यहां यहाँ यहां ये यह हमारा अरे यार ये क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया गया समझ तो गए ना आप यार समझ तो गए कर लोगे यानी कि सर जी हमारे पास ये जो डबल बोन्ड था ना ये जो डबल बोर्ड था किसका ये चेन ऐसे हम जोड़ देते हैं ये जो डबल बोर्ड था इस हमारे पास फ्रुक्टोज में क्या बन जाएगा एक बार ओ इसमें राइट साइड में आ जाएगा और एक बार ओ इसमें लेफ्ट साइड में आ जाएगा जब राइट साइड में आएगा तो उसको हम बोल देते हैं क्या सोरबिटल ये बन गया और इसको बोल देते हैं मैनिटोल। कर लोगे सुरभि कह रही है सर एनसीआरटी में इतना दे ही नहीं रखा कोई बात नहीं सुरबी आपको कार्बोहाइड्रेट के नोट्स भेजे हुए हैं उनमें है ये जो कार्बोहाइड्रेट की सीट भेजी थी उसमें ये है कोई बात नहीं अब आप, आप नोट कर लो सही है ना ब्रोमीन वाली रिएक्शन नाइट्रिक एसिड वाली रिएक्शन एच आई रिएक्शन, सही है एन ए एच की रिएक्शन यही पूछेगा आपसे और क्या पूछेगा कर लोगे चलिएगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलर प्रोटीन ग्लोबलर प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होगा बताओ भाई साहब द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलर प्रोटीन देखो भाई साहब अब बताओ देखो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर 2019 में आ गया चलिएगा सागर हाँ बिल्कुल सही है यार जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे पास बीएससी फाइनल ईयर में आता है बिल्कुल सही है बता दीजिएगा विल बी थोड़ी देर पहले बताया था रहा याद रखना यार एब्लू मीन आ जाए पेपर में बार बार क्या पूछ रहा है इंसुलिन पूछ रहा है हेमोग्लोबिन आ जाए मायोग्लोबिन आ जाए एब्लूमिन आ जाए कर लोगे बोलो भाई क्लियर है इट इज क्लियर और नोट चलिएगा बहुत अच्छा बहुत अच्छे सही है कर लोगे चलिएगा अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी हाँ यूपी 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 आ जाओ भाई साहब 2021 में आया है पी एच एट विच अमीनो एसिड डू नॉट माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड वो पी जिस पी के ऊपर हमारे पास अमीनो एसिड माइग्रेट नहीं करते इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में बता दो यार ये तो मुश्किल नहीं है यार ये तो मुश्किल नहीं है ये तो मुश्किल नहीं है

अब थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे सही है ना दस मिनट का एक ब्रेक लेंगे आप भी एक बार आपने भी बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए और यार मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चे ना आप में से ना यानी कि मुझे उम्मीद है आपकी बार बढ़िया आप बनने वाले हो सरकारी मास्टर उसी चीज की अपने को खुशी है और अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद तुरंत चालीस क्वेश्चन और हैं आप जो भी जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार फिर से कनेक्ट हो जाना आफ्टर टेन मिनट्स सही है ज्यादा देर का ब्रेक नहीं है टेन मिनट्स का ब्रेक है आप भी चाय पानी पी लीजिएगा थोड़ा रिफ्रेश हो जाइएगा और चालीस क्वेश्चन और है उनको सोल्व कर लेंगे बस यानी कि आज के हमारे जो जो आपकी लाइब्रेरी बंद हो रही है अरे तो कोई बात नहीं लाइब्रेरी में क्या फोन में क्या लाइब्रेरी काम आएगी आज ही करेंगे अभी दस मिनट के बाद ना कल फिर रिएक्शन मैकेनिज्म वाला काम आ जाएगा यार टाइम इतना हमारे पास नहीं है सही है ना क्वेश्चन ज़्यादा थे इसलिए सारे ले आए दस मिनट के बाद मिलते हैं सही है चलिएगा थैंक यू सो मच मिलते हैं अभी फिर से ब्रेक के बाद एक बार फिर से कनेक्ट हो जाइएगा आगे बढ़ते हैं यार सही है यस वी आर लाइव नाउ चलिएगा फटाफट एक बार ज्वाइन कर भाई साहब सेशन को चलिएगा मुकेश पुरोहित कह रहे हैं यार मुकेश पुरोहित आप जाके ना कोई भी रेफरेंस बुक में वेनेडियम के कॉम्प्लेक्स देखो हाउस क्राफ्ट में भी देख सकते हो सही है क्योंकि हाउस क्राफ्ट में साफ साफ वीसीएल फोर को परफेक्ट एट्रा बना के दिया हुआ है सही है उसके अलावा अगर आप और भी देखना चाहते हो तो और भी रेफरेंस किताब में जाके वेनेडियम के कॉम्प्लेक्स में देख लो और में मिल जाएगा सही है बाकी अगर बात की जाए उसने किस तरीके से इसका आंसर दिया है यार देखो एक बार जैम में भी ऐसे क्वेश्चन में जेटीडी से उसने अपनी चलाई थी सही है ना लेकिन होना चाहिए यार वी सी एल फोर में उसने क्योंकि उसमें वहां पे उसके बाद हाउस क्राफ्ट में 730 पेज नंबर पे उसने आयरन का एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसमें उसने कहा है जेटीडी सही है इसमें जेटीडी है और इसका पॉइंट ग्रुप डी टू डी होगा लेकिन वी सी एल फोर में उसको साफ साफ टैट्रा हेडल बना के दिया हुआ है तो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो सही है आइएगा अगले और भी क्वेश्चन हैं जिनमें आंसर की में जो भी दिक्कत आई हुई है जो अभी सी एस आर नेट की आई है उसके बाद उसका सोल्यूशन आ जाएगा जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि, कि किसी भी क्वेश्चन में एक हिलियम का तो जो सवाल था यार वैसा सेम सवाल हमने रेफरेंस सीरीज में भी किया हुआ है जिसमें इंटर आइनिक इंट्रैक्शन को नेग्लेक्ट किया हुआ था सही है आ जाएगा जिस जिस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत लग रही है कि सर इसका ये होना चाहिए आप बिल्कुल अपना रेफरेंस बुक से सही है अगर जिस भी क्वेश्चन में आप डाउट लगता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो नंबर पे सही है ना डबल एट वाले पे चलेगा आप मूव करते हैं यार आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो फटाफट जल्दी से एक बार कनेक्ट कर भाई साहब वी आर लाइव नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फटाफट जवाब दीजिएगा भाई साहब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन आइएगा यार फिर से यूपी 2021 में ये सवाल आया प्रोटीन से रिलेटेड इनमें से कौन सी बात हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है यार देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने चर्चा की थी प्रोटीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड ना प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी बता दीजिएगा आराम से स्टेटमेंट पढ़िएगा फिर अपना जवाब दीजिएगा पहला कह रहा है प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड पहली बात बिल्कुल सही है ट्रू है यार अमीनो एसिड से ही बनते हैं प्रोटीन दूसरी स्टेटमेंट है आल प्रोटीन हैव ओनली एल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर यार आल प्रोटीन हैव ओनली एल्फा हेलिक स्ट्रक्चर ये बात सही नहीं है सही है ना तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है प्रोटीन में हैव आइदर एल्फा हेलिक स्ट्रक्चर और प्लीटेड स्ट्रक्चर नंबर फोर्थ पे जाइएगा आल प्रोटीन हैव ओनली बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं भाई साहब कुछ में अल्फा भी होता है तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई सेकेंड और फोर्थ तो अब देखो ऑप्शन में देखो आपके पास पहली स्टेटमेंट ट्रू है पहली सब में दी हुई है उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई है दूसरी कहां कहा हुई है सर बी कट गया ए कट गया सही है अब आ जाइएगा थर्ड पे फोर्थ इसमें फोर्थ भी रखिए शुड बी सी सी हो जाएगा यस बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है सी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पायरमिडी इन बेस देखो यार आप फिर से रिपीट सवाल हो गया है क्या याद रखोगे पैरमिटीन बेस में हमारे पास कौन कौन आते हैं यार बताओ भाई साहब सर जी हमारे पास हमने सॉरी साइटोसिन आता है साइटोसिन आता है सही है यूरेसील आता है यूरेसील आता है और एक हमारे पास आता है ये हमारे पास होते हैं ना तो ग्वानिन नहीं होता यार ग्वानिन डी विल बी द करेक्ट आंसर ग्वानिन और एडनिन हमारे पास कौन से होते हैं बताओ जल्दी से सर ग्वानिन और एडनिन हमारे पास प्यूरीन बेस होते हैं ना प्यूरीन कर लोगे

यार सिस्टीन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है सही है ग्लूटामीन नहीं भाई साहब ये तो होता ही नहीं सराइन नहीं 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 क्या होगा वैलीन वैली पढ़ा था हमने वैलीन पढ़ा था सी एच टू कार्बन के साथ सी एच थ्री का ट्वाइस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एंड हाइड्राइट ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड इन टू ग्लाइसिन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं पहले तो आपको ग्लाइसिन चलो करके देखो एक बार फटाफट आसान सा सवाल है बार आप ट्राई करो मान लो आपके पेपर में ये सवाल आ गया आप क्या ऑप्शन करके आओगे हाँ बस टीवी मिल पाथ याद रखना है ट्रिक भी आपको बताई थी ओन रिएक्शन विद ग्लाइसिन एसिटिकाइड कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन की जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा जल्दी से चार ऑप्शन आपके सामने हैं बता दीजिएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर क्या आंसर बनेगा भाई साहब नंबर सिक्सटी फाइव वट विल बी द करेक्ट आंसर आ जाओ यार देखो 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 सही है ना ऐसी गलती नहीं करनी आ जाओ देखो सुनो ध्यान से देखो ग्लाइसिन हमने पढ़ा है यार ग्लाइसिन एक, एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जो हमारे पास क्या होता है एकाइरल होता है ना एकाइरल सी ओ ओ एच यहाँ पे हमारे पास क्या था एन एच टू यही था ना यार देखो ये हमारे पास आएगा एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करें तो हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होगा सी डबल बोंड ओ ओ यहाँ पे ओ ये सी डबल बोंड ओ सी एस थ्री यही बनेगा यार एसिटिक एनहाइड्राइड ये हमारे पास यही बनेगा तो एक्चुअली होगा क्या यहाँ पे यार ध्यान से देखो समझना एक बार सुनो ध्यान से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा ये इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा ये इधर जाएगा ये वापस हमारे पास टूट जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनता है ना प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारे पास क्या बनता है देखो ये सीओओएच था इसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है ये वाला CH2 इसके साथ हमारे पास NH आएगा NH के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 स्पीसीज हमारे पास फॉर्मड होती है बी विल बी द करेक्ट आंसर बी बनेगा बी 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 बनेगा भाई बी सी नहीं बनेगा ना ए बनेगा सही है ना यार छोटी सी रिएक्शन थी तो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा चले आगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास ऑफ स्टीरोड्स स्टीरियॉइड्स की क्लास में कौन कौन आते हैं देखो यार स्टीरियोड्स जो होते हैं ना देखा होगा आपने स्टीरियोड्स नाम सुने होंगे स्टीरियोड्स ना और जनरली जो स्टीरियोड्स होते हैं ना यार ये सबसे स्ट्रॉग ताकतवर चीज होती है स्टीरियोड सही है ना, ना बुखार हो गया आपको एकदम एक सौ आठ एक सौ पांच एक सौ डिग्री सही है डॉक्टर तुरंत आपको इंजेक्शन लगाएगा स्टीरियोड्स का तुरंत आपका बुखार डाउन आ जाएगा तो एक्चुअली जो विटामिन डी होता है इसमें भी स्टीरियोड का करेक्टर होता है जो फिडिक एसिड होता है इसमें भी स्टीरियोड का करेक्टर होता है और जो प्रोजिस्ट्रोन जो आपके पास होता है ना ये स्टीरियोड सी होता है ये सी होता है भी नहीं आएगा ऑल ऑफ दीज आएगा भाई ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज सब में स्टीरियोड करेक्टर होता है सब में सब में होता है सुक्रोज विद कंसेंट्रेटेड एस टू एसओ फोर प्रोड्यूस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम सुक्रोज की हीटिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है सुक्रोज की जब हम हीटिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है हाँ सुर भी कह रही है सर जी कोरोना में बहुत ट्रेंड किया था यस यस योइड ताकतवर होता है भाई इसके तो इंजेक्शन मिलने ही कम हो गए थे बताओ जल्दी से क्या होगा जब हम हीटिंग करेंगे सुक्रोज की कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें क्या मिलेगा कोई बात नहीं सब में होता है भाई साहब आ जाइएगा यस 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 देखो यार जब हम हीटिंग करेंगे ना सुक्रोज को जब हीट किया जाएगा सुक्रोज को जब हीट किया जाता है तो प्यारे बच्चों हमें बारह कार्बन मिल जाते हैं लिख लीजिएगा और प्लस वाटर के मोलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं सुक्रोज में बारह ही कार्बन होते हैं के बार्रा हमें मिल जाते हैं है, सही है ये छोटी 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 बातें बातें पेपर में पूछ लेता है आइएगा द नंबर ऑफ कार्बन यार ये तो बिल्कुल आसान सवाल है यार ये तो छोटे छोटे बच्चों से पूछता है एसमेट्रिक कार्बन एटम बताइएगा फ्रुक्टोज में कितने होंगे जल्दी से बताओ जल्दी से फटाफट एसमेट्रिक बोले तो एक आयरल कार्बन की बात कर रहा है बता दो फ्रुक्टोज़ में कितने एसमेट्रिक कार्बन होंगे जल्दी से जवाब दीजिएगा यार ये सवाल तो होना चाहिए भाई ये सवाल तो होना चाहिए अगर ऐसे सवाल गलत कर दोगे तो फिर तो मामला बिगड़ जाएगा यार ऐसे सवाल अगर आप गलत कर दोगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा फटाफट बताइएगा भाई साहब संजू ने बता दिए ए प्रिया जी कह रही है बी नित्या जी कह रही बी चलिएगा देखते हैं भाई सब किसका सही होता है मैं कह रहा हूं पेपर में आपको जल्दबाजी नहीं करनी जल्दबाजी अगर आपने कर दी वही पे फंस जाओगे एक बार आप स्ट्रक्चर तो बना के देखो यार फ्रुक्टोज सबने पढ़ा हुआ है यार क्या बनेगा सर जी सी एच टू ओ एच सी डबल बोन्ड ओ कार्बन ओ एच एच सी ओ एच एच सी ओ एच एच सी एच टू ओ एच कितने होंगे एक दो तीन बताओ भाई साहब अब कहा से पांच होंगे यार कहा से चार होंगे ऐसी गलती मत करना भाई साहब ऐसी गलती मत करना देख ले भाई सागर आराम से देख ले भाई आराम से देख ले भाई सागर तीन होंगे तीन हाँ अगर हमें कहता ग्लूकोज में बताओ तो ग्लूकोज में क्या हो जाएगा यार ग्लूकोज में सर जी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ऊपर सर यहाँ सी एच ओ होता है यहाँ पे हमारे पास इस साइड ओ एच एच यहाँ पे चार आ जाएंगे यार ओ एच एच सी ओ एच एच सी ओ एच एच सी एच टू ओ एच एक दो तीन चार कर लोगे बस जल्दबाजी में गलती नहीं करनी यार आसान सवालों में क्वेश्चन नंबर ए सी एफ दो हजार ग्यारह लो एफ का पेपर भी बहुत सारे बच्चे देख के आए होंगे आप में से भी देख के आए होंगे बताओ ये क्या होगा हाँ बस कुछ भी पढ़ के जा रहे हो थोड़ा पैसेंस के साथ सवाल को करना है सागर कह रहे ग्लूकोज का याद रह गया बस यार मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूं इन सेशंस को अब करवाने के लिए पेपर में यही गलती नहीं करनी यार प्लीज पैसेंस के साथ खरगोश भी बनना है पेपर में कछुआ भी बनना है जीत दोनों की होती है बताइएगा भाई साहब बताओ ये क्या है अरे मुर्गो ये क्या कह रहे हो रे अरे मनीषा जी क्या कर रहे हो आप क्या ये ग्लाइसीन नजर आ रहा है आपको हे भगवान वरदान अब भाई क्या कर रहे हो यार ग्लाइसीन में क्या होता है भाई अब ग्लाइसीन में सीओ एच यहाँ पे एन एच टू होता है यार क्या कर रहे हो ग्लाइसिन हमने पढ़ा था एकाइरल अमीनो एसिड होती है एकाइरल सेंटर होता है ग्लाइसीन नहीं होगा नित्या जी अब कह रही है सर जी ग्लाइगोक्सलिक एसिड होगा नहीं 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 ग्लाइगोलिक एसिड भी नहीं होगा ये होता है ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड होता है ग्लाइकोलिक एसिड ध्यान देना देखो ध्यान से सुनो ग्लाइकोल क्या होता है सर जी इथेन वन टू डाइल ये होता है ग्लाइकोल और ग्लाइकोल में हमारे पास हम क्या करते हैं इसकी जगह अगर सी ओ एच ग्रुप हमारे पास आ गया उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिक एसिड एसिड द राइट आंसर शुड बी सी 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 विल बी द करेक्ट आंसर सी सही होगा सी सी गलती मत करना यार समझा नहीं समझे बोलो और आपको एक बात बता देता हूं यार आजा इसके बारे में खास बात और बता देता हूं सही है अब ना यार सुनो ध्यान से सुबह उठते ही ना मेरे ख्याल से सारी जनता फेस वाश करती होगी फेस वाश करते हो आप है, आपके पिंपल हो हो गए आपकी स्क्रीन खराब गई आप चले जाना जो भी लेके आओगे उसमें आपके पास यही प्रेजेंट होता है काफी लोगों की खूबसूरती का राज ग्लाइकोलिक एसिड ही होता है सही है सही है ना चेहरे पे दाग धब्बे हो गए उसके लिए ग्लाइकोलिक एसिड को देखना आप सही है कभी आपने यूज किए हो या फिर डिटोल साबुन से नहाते हो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो थोड़ा देख लिया करो यार उनमें क्या क्या होता है चलिएगा आ जाओ आगे मूव करते हैं स्टार्च इज स्टार्च क्या होता है यार कितनी बार हमने चर्चा की भाई स्टार्च क्या होता है स्टार्च बता दीजिएगा स्टार्च क्या होगा कर लोगे कैसे होते हैं पोली सैक्राइड पोली सैक्राइड पोली सैक्राइड होती है ठीक है पर कह रही है इसमें क्या होगा भाई इसको और देख लो यार ना देखो इसमें क्या होगा ये जो आपने पढ़ा जो सी ग्लाई ऑक्सिलिक एसिड जो दिया हुआ है ना इसमें क्या होता है देखो इसमें हमारे पास कुछ नहीं एक तरफ तो क्या होगा सीओ एच होगा यहाँ पे हमारे पास सीएचओ आ जाता है क्या आ जाता है सीएचओ एक तरफ सी ओ एच होगा यहाँ पे सी एच ओ आ जाता है उसको हम बोलते हैं एक कार्बन सी ओ एच देखो आ जाओ यार इसको देख लो ये होता है सबने पढ़ा होगा ओग्जेलिक एसिड सही है या हमारे पास सी एच ओ आ जाए इसको हम बोलते हैं ग्लाई ओक् एसिड सही है और ये हमारे पास सी एच टू ओ एच और यहाँ पे सी एच सी ओ ओओ एच इसको हम बोलते हैं ग्लाई कोलिक एसिड ग्लाई कोलिक एसिड ओग्लिक एसिड ग्लाई एसिड कर लोगे ये याद रखिएगा ना अगर पूछा जाए इसको भी पूछा जाए तो ये भी कर लेना चलिएगा फॉलोइंग इज कीटो एग्जोज क्या हो गया यार ये तो बिल्कुल लड्डू सवाल है बता दो यार इसमें तो क्या ही गलती करनी कह रहा है गुलगोज आ रहा है भाई साहब इसमें तो एल होता है साफ साफ बोल रहा है कीटो एग्जोज बताओ ओसाजोन हमने पढ़ा था यार ओसाजोन की तो फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी स्टार्च ओहो इसमें कहा कीटो ग्रुप आ गया फ्रुक्टोज थोड़ी देर पहले भी स्ट्रक्चर हमने बनाया था थोड़ी देर पहले भी हमने स्ट्रक्चर बनाया था कर लोगे एक ही CH2 ग्रुप दे रखा है हाँ 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 यही, यही 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 आएगा भाई ग्लाइकोलिक एसिड ये बनेगा COH एच यही बनेगा यही बनेगा सीओ एच सी एस टू ओ एच हाँ सही है एक सी एस टू मैंने ज्यादा ले लिया था भाई बिल्कुल सही है प्रिया एक सी एस टू ज्यादा ले लिया था

कैलेमल नहीं है कैलेमल तो कैलेमल तो इलेक्ट्रोड होता है सी ए आर एम ई एन जब केन सुगर को हीट किया जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट से आगे तो हमें क्या मिलता है पहली बात तो आपसे पेपर में यही पूछा जा सकता है केन सुगर क्या होता है भाई साहब यानी कि जो सुगर हम खाते हैं जो सुगर हम खाते हैं उसमें आपसे पूछा जाए बिल्कुल सही है सबने सही जवाब दिया है भाई एबल सुगर होता है इन्वर्टेड सुगर होता है सुक्रोज होता है बिल्कुल सही है चले गए ये सवाल नहीं पड़ा तो सुन लो ध्यान से देखो समझना एक बार यार जब हम केन सुगर को हीट करते हैं ना अबाउ इट्स मेल्टिंग पॉइंट तो थोड़ा ब्लैकिस कलर का चेंज हो जाता है सही है ना और वो हमारे पास बन क्या जाता है वो बन जाता है ये कैरेमल बन जाता है क्या बन जाता है कैरेमल सही है कोई बात नहीं नहीं पढ़ा हो तो अब सुन लो ध्यान से जो कैरेमल आपने चॉकलेट तो खाई होगी भाई सही है ना कॉफी पी होगी आपने चॉकलेट पी चॉकलेट खाई होगी सही है तो जनरली वो हमारे पास जो ब्लैक कलर का जो सोलिड बनता है ना वो हमारे पास होता है कैरेमल डी विल बी द करेक्ट आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर कर लोगे क्वेश्चन नंबर द द प्रेजेंट बिटवीन ग्लूकोज यूनिट ऑफ सेलुलोज फिर से यार वही सवाल ए सी एफ दो हजार ग्यारहसी में यही सवाल कॉलेज लेक्चरर में बता दो जल्दी सेवेंटी थ्री का क्या आंसर होगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर द बोन्ड प्रेजेंट बिटवीन द ग्लूकोज यूनिट ऑफ सेलुलोज बीटा 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 ग्लाइकोसिडिक बीटा ग्लाइकोसिडिक तो सेलुलोज और स्टार्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनको जरूर याद रख लीजिएगा बिल्कुल याद रख लीजिएगा इनको हंड्रेड परसेंट ये सवाल बनेगा आ जाएगा आपकी बार भी गिव फॉलोइंग कलर विद नीन टेस्ट थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही चर्चा हुई थी भाई साहब नीन हाइड्रीन टेस्ट की जब प्रोटीन को हम नीन हाइड्रीन टेस्ट करवाते हैं तो कैसा कलर प्रोड्यूस होता है नीन हाइड्रीन टेस्ट किया जाता है टू चेक द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड हमें पता है प्रोटीन में अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है कलर कैसा देता है कलर दीजिएगा भाई साहब तो कैसा कलर होता है यार पर्पल कैसा कलर होता है पर्पल पर्पल ब्लू नहीं अरे ब्लू नहीं पर्पल कलर डी 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 पर्पल कलर देता है भाई पर्पल 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 ब्लू नहीं पर्पल 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 कलर देता है अमीनो एसिड पर्पल कलर हाँ यार देखो ये जो सवाल है ना यार इनसे आरपीएससी का कोई लेना देना नहीं है लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा पढ़ लेना स्पोनिफिकेशन ऑफ उसमें एसीएफ में चार सवाल पूछे गए थे स्पोनिफिकेशन ऑफ ऑयल सही है ना तो आरपीएससी में इनका कोई इतना महत्व नहीं है सही है ना दो चार क्वेश्चन है अगर आप देखना चाहो तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा इनको आप चेक कर लेना सोलिडिफिकेशन ऑफ ऑयल से सवाल पूछा गया है दूसरा कोज ऑफ डी नेचुरिंग ऑफ ऑयल ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर विच प्रोड्यूस बैड स्मेल इज तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है इनसे पूछ नहीं पूछा गया आरपीएससी स्कूल लेक्चर कॉलेज लेक्चर नहीं पूछा गया है सही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ आर एन ए इनमें से कौन सा आर एन ए का कंस्टिट्यूएंट नहीं है फटाफट बता दो भाई साहब बता दो जल्दी से बताओ पहली बात तो फॉस्फेट सर जी फॉस्फेट तो होता है डी राइबोज डी राइबोज भी होता है तो फिर हम क्या लगाएंगे बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है यार आसान सा सवाल है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ आर एन ए आर एन ए का इनमें से कौन कंस्टिट्यूएंट नहीं होता बता दीजिएगा भाई बता दो भाई साहब हाँ अरे पायरेडीन ध्यान रखना पायरेडीन और पायरिमिडीन में डिफरेंस है भाई सही है ना पायरेडीन में हमारे पास क्या होता है सर जी पायरेडीन में हमारे पास केवल एक ही नाइट्रोजन होता है इनके सो पायरेडीन यहाँ पे हमारे पास दो रिंग होती हैं और जो भी पायरेडीन पारे... पारे... बेस पड़े ना इनमें जो भी है सारे के सारे कीटो में प्रेजेंट होते हैं सही है ना चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन आर एन एंड डीएनए आर कायरल मोलिक्यूल एंड द कायरलिटी इन इज टू भाई साहब बढ़िया सवाल है बढ़िया सवाल है बता दो फटाफट बता दीजिएगा वच विल बी द करेक्ट आंसर आर एन ए और डीएनए जो है वो कायरल मोलिक्यूल होते हैं द कायरलिटी इन डैम इज टू कायरलिटी किस वजह से होती है बता दीजिएगा वट विल बी द करेक्ट आंसर क्या सही आंसर होगा आर एन ए और डी एन ए कायरल होते हैं इनमें कायरलिटी किस वजह से होती है यस yes, यार हमने पढ़ा था ना देखो हमारे पास क्या आएगा यार देखो आर एन ए डी एन ए में क्या होगा बेस होगा फोसवेट ग्रुप होगा और एक हमारे पास सुगर होगा सही है सुगर की बात करते हैं तो सर जी जंगली डी राइबोज ही होता है सही है ना लेकिन डी होता है ना वो डी शुगर की वजह से ही तो कायरलिटी आएगी यार अभी पढ़ा था हमने यार देखो याद करो याद करो पांच मेंबर की रिंग बनाई थी याद करो ओ OH एच ऊपर एच नीचे ये यहाँ पे ओ OH एच नीचे एच ये एच ये ओ एच OH, यहाँ पे सी एच टू ओ एच एच तो कायरल सेंटर यही तो है किसकी वजह से आता है सुगर का और कौन सा कंपोनेंट होता है ये डी 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 एस और बीटा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 80 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एट ज्यूटर आयन ज्यूटर आयन की फॉर्म में इनमें से कौन एग्जिस्ट करेगा ये बढ़िया सवाल था भाई साहब एसीएफ 2018 में पूछा ज्यूटर आयन की फॉर्म में इनमें से कौन एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल ध्यान से देखो और ऑप्शन काटते हुए चलो और आपका सवाल बन जाएगा भाई साहब ज्यूटर आयन की फॉर्म में इन चारों में से कौन एग्जिस्ट करेगा ध्यान से देखो भाई साहब विचौ फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन ज्विटर आयन की फॉर्म में इनमें से कौन एग्जिस्ट करेगा बता दीजिएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर पहचान गए अगर ऐसे सवाल में गलती करोगे तो फिर गए काम से आप हमने पढ़े हुए हैं यार कौन एग्जिस्ट करते हैं सर जी अमीनो एसिड अमीनो देखो अमीनो एसिड देखो ऑप्शन चलो कट गए ऑप्शन लो जी सर जी देखो पहले ऑप्शन में ओहो ओहोच ओ एच ये ओहो नहीं अमीनो एसिड ये नहीं है ये आ गया ये 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 यही तो है अमीनो एसिड सी एच सी एस टू सी एस थ्री ये तो है ही नहीं काटो तो भाई साहब बिल्कुल सिंपल सा सवाल यार समझे समझ आया है, नहीं आया है? बताओ जल्दी से बताओ भाई साहब <laughs> क्लियर है कर लोगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर फटाफट देखो। ओसाज़ोन दो हजार अठारह में सवाल आया यार बिल्कुल आसान सा सवाल बता दीजिएगा सही है क्या आएगा देखो ओसाजोन को हम रिएक्ट करवाते हैं भाई साहब वेन ग्लूकोज इज हिटेड ग्लूकोज को जब हम हीट करते हैं किसके साथ एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन एक्सेस ऑफ हाइड्राजीन फिनाइल हाइड्राजीन हमारे पास क्या था यही तो था यार। चलिए भाई साहब। इसके साथ रिएक्ट करेंगे कर लोगे चलिएगा बच्चे हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं भाई अब इसकी खुशी मनाई जाए दुख किया जाए एक और साल खत्म हो गया भाई साहब है चलिएगा थैंक यू सो मच जो भी बच्चे विशेष दे रहे हैं आपका मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम और आप अपने टारगेट को अचीव करो यार बस मेरा तो बर्थडे गिफ्ट वही होगा आप सरकारी मास्टर बन के आओ और फिर बताओ सर मेरा ये आ गया लिस्ट में नाम बस ये करो यार तब खुशी होगी सही है ना चलिएगा बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच जो भी बच्चे विश कर रहे हैं थैंक यू सो मच बस आप मास्टर बनो यार सही है ना मेरी तरफ से यही है कि आप कामयाब हो और आप जो आपका एग्जाम आने वाला है जिन भी बच्चों का अभी फिलहाल जो आरपीएससी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका काम हो जाए आपका सिलेक्शन हो जाए यार सही है या चलिएगा थैंक यू सो मच बच्चों चलो आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बहुत बढ़िया विसागर कह रहे हैं केमिस्ट्री में जे भी सर क्रांति ला रहे हैं और बापू ने बहुत बढ़िया भाई ठीक है भाई ठीक है सही यार तो यार क्रांति तो तब आ तब देखो मैं मैंने ज्यादा टारगेट नहीं ले रखा यार जो है यार, भी बच्चे जिन्होंने ऐप पे ज्वाइन किया हुआ है ऑफलाइन खड़े हुए हैं भाई इस बार मिनिमम यार बीस सरकारी मास्टर बनने चाहिए यार तब खुशी होगी मेरे को तो मिनिमम और आप तो यार भाई सारी जितनी सीट है मैं तो चाहता हूँ आप ही ले जाओ सारी सीटें यार सही है ना मैं तो यही चाहता हूँ कि जितनी भी सीट है वो आप ऑक्यूपाई करें और सबको अपनी एक एक सीट चाहिए यार सही है ना मजा तब आएगा जब यार आपका रिजल्ट आए और आप खुशी से फोन करो घर में खुशी का माहौल हो उस मोमेंट के लिए जीतते हैं यार उस मोमेंट के लिए तो रात काली करते हैं रोज आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इक्लिवरियाम मिक्सचर ऑफ एल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार ये सवाल भी ना इंपॉर्टेंट है आ जाओ देखो इसके रिलेटेड मैं तीन बात और आपको बता के जाऊंगा देखो अगर आ भी जाए तो जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है ना हमारे पास डी एल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक्चुअली जो एल्फा डी ग्लूकोज है ना ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है भाई साहब हमारे पास डी ग्लूकोज हो गया डेक्स्ट्रो ही होता है सही है इसमें हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन लगभग होता है एक सौ बारह डिग्री एल्फा डी ग्लूकोज में बीटा डी ग्लूकोज की अगर बात की जाए बीटा डी ग्लूकोज में एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास होता है लगभग अठारह पॉइंट सात डिग्री लगभग उन्नीस डिग्री के आसपास उन्नीस डिग्री के आसपास सही है लेकिन एट इक्विलिब्रियम हमारे पास ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं बोथ अल्फा और बीटा वहां पे जो स्पेसिफिक रोटेशन ऑब्जर्व होता है वो हमारा होता है बावन पॉइंट सात डिग्री तो प्लीज ये याद रखिएगा यार और ये भी डेक्सो होता है प्लस ही होता है प्लस 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 चलिएगा मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया है सही है बहुत बढ़िया सब पढ़ के आए हैं भाई ये वही बात आज तो कम ही सवाल गलत हुए आपके कोई बात नहीं चलो बढ़िया है आप बायोलॉजिकल से हो और आपका कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड और बढ़िया विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट एसेंशियल यार कितनी बार करें बताओ कौन सा एसेंशियल नहीं है जल्दी से बता दो भाई साहब एसेंशियल कौन सा नहीं अब की बार आपसे ये पूछा हुआ है एसेंशियल अमीनो एसिड इनमें से कौन सा नहीं है बताओ यार जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर एटी थ्री होना चाहिए यार ट्रिप्टोफन पढ़ा हुआ है ट्रिप्टोफन भी पढ़ा हुआ है सब पढ़े हुए हैं भाई अंतिम पढ़ा पे चल रहे हैं ट्रिप्टोफन एसेंशियल होता है एसेंशियल होता है यस बी आया है जवाब बी आया है बी बी कह रहे हैं सर बी होगा बी बी टाइरोसिन यस टाइरोसिन बिल्कुल सही है टायरोसिन नहीं ला तीन लाचार लाचार नोट नोट एसेंशियल वेलिन एसेंशियल होता है ट्रिप्टोफन एसेंशियल होता है टायरोसिन अभी पढ़ा था हमने यार होता है फिनोलिक होता है फिनोलिक 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 सी एच टू ओ एच ये होता है सही है चलिए गैर एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है ट्रिप्टोफन की खास बात क्या होती है ट्रिप्टोफन की ट्रिप्टोफन में इंडोल प्रेजेंट होता है ना याद करो याद करो रे एक पांच मेंबर की रिंग और एक हमारे पास ये यही तो प्रेजेंट होता है सी एच टू याद रखना भाई कर लोगे चलिएगा बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर 84 प्रोटीन व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 ही गिव येलो कलर ये टेस्ट इज कॉल्ड देखो यार सुनो ध्यान से सुनिएगा प्रोटीन का एक और टेस्ट आ गया है देखो अगर मैं बात करूं न, ना नाई नाई टेस्ट ये कैसा कलर देता है पर्पल थोड़ी देर पहले पढ़ा थोड़ी देर पहले पढ़ा सही है ना मिलन टेस्ट की बात की जाए तो मिलन जनरली हमारे पास फिनोलिक फिनोलिक वो प्रोटीन चेन जिनमें फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा अमीनो एसिड में वो देते हैं मिलन टेस्ट ये हमारे पास होगा जेनथोप्रोटिक टेस्ट जेनथोप्रोटिक टेस्ट भी विल बी द करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास येलो कलर प्रोड्यूस होता है येलो कलर सही है ब्युरेट टेस्ट जो है ब्युरेट टेस्ट जो है ये सब अमीनो एसिड के लिए ये ये सब के लिए होता है हर प्रोटीन हर हमारे पास सारे के सारे प्रोटीन ब्युरेट टेस्ट देते हैं और केवल एक अमीनो एसिड होता है जो ब्यूरेट टेस्ट देता है दैट इज इजडी ये भी याद रख लीजिएगा इससे रिलेटेड सही है चलिएगा सिंह जी जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर थैंक यू यू सो मच मेरे भाई गॉड ब्लेस सही है विश यू ऑल बेस्ट सही है गुड लक फॉर योर एग्जाम आप अच्छा पढ़े अच्छी मेहनत करें आपका सिलेक्शन हो ग्लूकोज एंड मैनोज आर थोड़ी देर पहले ही जिक्र हुआ था यार ग्लूकोज और मैनोज हाँ सुर अब तो क्लियर हो गया होगा बता दो भाई साहब क्या होंगे एपीमर होंगे ग्लूकोज और क्या होते हैं आपस में एपीमर होते हैं पोजिशन भी आपको पता है सी टू एपीमर होते हैं सी टू एपीमर होते हैं क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स अमंग से बताइए प्रोटीन कौन सा होगा यार कितनी बार पूछ चुका है ए सी एफ दो हजार अठारह में तो भाई साहब उसने बायो ऑर्गेनिक से मतलब बायो बायोमोलिक से लाइन लगा रखी है ग्लोबलर प्रोटीन कौन कौन से होंगे बता दो यार अभी बताए इंसुलिन और एब्लूमीन क्या बन जाएगा थर्ड एंड फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ कर लोगे चलिएगा अगला सवाल देखो अगला सवाल रिगार्डिंग न्यूक्लिक एसिड फॉल्स होगी बता दो न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड इनमें से फाल्स स्टेटमेंट कौन सी होगी न्यूक्लिक एसिड आर चेन ऑफ फाइव मेंबर रिंग भाई साहब ट्रू है सर जी ये बात तो ट्रू है दीज रिंग सुगर आर लिंक्ड बाय फॉस्फेट ग्रुप बिल्कुल ट्रू है इन आरएनए द फाइव मेंबर रिंग इज आई बोच ये भी ट्रू है आर बेस इन नो 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 कितने बेस होते हैं सर जी अरे सर डीएनए क्या बताया था सर जी कैट जी चार ही बेस होंगे कौन कौन से सर जी साइटोन एडनीन था आर एन ए में आर एन ए में आर एन ए में भी चार होते हैं काउ जी काउ 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 सी ए यू काउ जी साइटोसिन एडनिन यूरेसिल ग्वेनिन यहां से ही था इन दो बातों से ना नेट में भी चार नंबर का सवाल आया वो एवर फोर मार्क्स का बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कर लोगे भाई साहब बोलो समझे कर लोगे चलिएगा यार तो ये था यार आपके पास सही है ना अच्छा एट्टी सेवन हाँ इतने ही थे यार क्वेश्चन सही है ना इतने ही थे सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं यार फिर से मैं आपको बता देता हूँ जो भी बच्चे आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई साहब पेपर से पहले मैं आपको बता देता हूँ ड्रग्स वाला सेशन हो गया पॉलीमर वाला सेशन हो गया और हमारे पास अब बायोमोलिक्यूल वाला भी सेशन हो गया है तो प्लीज आपको क्वेश्चन इन सेशन में से ही मिल जाएगा पेपर में ये बात तय है सही है तो ये सारी चीज अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा ये माइनर पोर्शन था हाँ एक बात हो रही कर देता हूँ नंबर चार क्या एनवायरमेंट हो गया फिजिकल तो हम बहुत करते आए हैं इनऑर्गेनिक के सेशन भी हम बहुत करते आए हैं सही है चलिएगा अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो अगला जो सेशन बच्चों जो मैं लेके आऊंगा आपके लिए वो हमारा रहेगा रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड ना रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड सेशन लेके आऊंगा उसमें आपकी सारी एल्कोल फिनोल इथर जो भी रिएक्शन है जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे सही है और जो भी बच्चे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा एप केमिस्ट्री बाय जेबी सर और भाई साहब आज के दिन आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा जाइएगा फटाफट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो कोई नेट की प्रिपरेशन कर रहा है कोर्स ज्वाइन कर सकते हो सही है बाकी जो बच्चे अच्छे से इस तरीके से देखो अभी दो तीन घंटे तक कुछ बच्चे बने हुए हैं आपको मिलेगा यार चिंता मत करो आपको सवाल गलत नहीं होगा सबसे बड़ी बात यह है आपका सवाल गलत नहीं होगा और थैंक यू सो मच जितने भी बच्चों ने अभी विशिस दी बर्थडे की बस यार आप अच्छे से पढ़िएगा कामयाब हुईगा उसी पर्पज के साथ हमें लगे हुए हैं सही है और जिन भी बच्चों ने जिस ट्रस्ट के साथ यार फर्स्ट ग्रेड का कोर्स ज्वाइन किया आई होप यार हमने चीजों को अच्छे से समझाने की आपको कोशिश किया है हर टॉपिक के माइनर से माइनर टॉपिक को कि आपका यार मतलब सवाल गलत ना हो चाहे वो प्रोडिक टेबल से रिलेटेड कोई बात बतानी हो चाहे पोलीमर से रिलेटेड बात बतानी हो लगभग सारी चीजें हमने कवर किया हैं सही है चलिएगा तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड कीप सब्सक्राइबिंग हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ जरूर बताइएगा कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा केमिस्ट्री बाई ए बी सर ऐप के ऊपर या फिर ग्रेविटी जयपुर ऑफलाइन में सही है मिलता हूँ मैं कल कल फिर से मिलूंगा मैं आपको सही है कल का सेशन आज का सेशन बड़ा हो गया कल थोड़ा सा आपके लिए ब्रेक रहेगा कल का ब्रेक रहेगा इसके बाद आपको एक बात याद रखनी है अगला जो सेशन आएगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आएगा कंप्लीट ऑर्गेनिक का आएगा उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरी ऑर्गेनिक को रिवाइज कर लीजिएगा चालीस सवाल लगभग आपके फिजिकल के आते हैं चालीस से ज़्यादा ही आ जाते हैं फिजिकल के और ऑर्गेनिक के भी सही है तो आप करोगे क्या आप पूरी ऑर्गेनिक को अच्छे से रिवाइज करके आओगे अगला जो सेशन होगा वो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा सही है चलिएगा रश्मि जी कह रही है सर जी कल का कोई भी सेशन हो तो बता हाँ रश्मि जी कल का आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ अगला जो सेशन आएगा वो आपका कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आएगा तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप थैंक यू सो मच फॉर लोट ऑफ विसिज आपने विसिज की बस भगवान आपके सारे सपने पूरे करे और आप इसी तरीके से मेहनत करते रहे और लगे रहिएगा टारगेट आर सरकारी मास्टर बन के रहना ही है बस थोड़ा सा टाइम बचा है उसमें थोड़ा सा एफर्ट और लगा दीजिएगा सही है थैंक सो so मच इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त